हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, कैसे हो? तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं डीसीएम टेस्ट सीरीज एट्थ। और केमिस्ट्री में बच्चों, ये केमिस्ट्री थर्ड है जिसमें टॉपिक्स आपके सामने हैं बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हम बच्चों मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर के इस टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है डियर? तो देखते हैं बच्चों, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ, मोल कॉन्सेप्ट जो है ये अपने आप में एक बेसिक टॉपिक है, बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बेसिक टॉपिक आ जाता है बच्चों, मूल कॉन्सेप्ट अपने आप में। तो मूल कॉन्सेप्ट के अगर आपके फंडे क्लियर हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप किसी भी चैप्टर में चले जाओ, आपको मूल कॉन्सेप्ट सब जगह काम आएगा। कहीं भी देख लो आप, किसी भी कॉन्सेप्ट को रिलेट कर लो, मूल कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत रिश्ता जरूर मिलेगा बेटा, ठीक है? वहीं पर एटमिक की बात करते हैं, तो एटम में भी आप एटम के कॉन्फिगरेशन की बात कर लो, या रिडबर्ग फॉर्मूला की बात कर लो, या वेवलेंथ की बात कर लो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बच्चों मिलते रहते हैं कई जगह, ठीक है डियर? तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों आप आज का सॉल्यूशन, ठीक है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। बच्चों क्वेश्चन नंबर वन है, कंपेयर द एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशंस E1 विद वेवलेंथ 800 नैनोमीटर एंड E2 विद वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। यानी कि आपको बच्चों एनर्जी फर्स्ट की वेवलेंथ कितनी दे रखी है 800 नैनोमीटर, और एनर्जी सेकेंड के लिए वेवलेंथ गिवन है बच्चों 400 नैनोमीटर। अब इन दोनों का कंपैरिजन करना है, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ध्यान रखें, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये प्लैंक थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और प्लैंक ने क्या कहा था, प्लैंक ने कहा था बच्चों कि फोटोन की जो एनर्जी है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। किसी भी फोटोन की ऊर्जा उस फोटोन की तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है बेटा। अगर बात करें फॉर्मूला बेस, तो देखेंगे आप यहां पर बच्चों, इनिशियली अगर अपन बातें कर रहे हैं फॉर्मूला बेस, तो देखें जो एनर्जी है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है hc/λ। तो बच्चों आप देख सकते हैं, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, c क्या है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जो कि फोटोन का भी वेलोसिटी होता है, कितना होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है डियर? अब बच्चों यहां पर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, आप कह सकते हैं एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां से एनर्जी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन क्या मिलेगा, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द 1/λ। बच्चों अगर इस रिलेशन को लिखा जाए टू फोटॉन्स के लिए, तो आप कहेंगे E1/E2 बिकम्स इक्वल टू द λ2/λ1। इस तरह का रिलेशन आपको बच्चों वेवलेंथ और टू फोटॉन्स की एनर्जी में देखने को मिलेगा। अब मेरे बच्चों एनर्जी का आपको रिलेशन चेक करना है, और λ1 और λ2 आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है डियर? तो आप चेक करें, आपको एनर्जी फर्स्ट के साथ तो वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 800, यानी कि λ1 कितना दिया बच्चों 800 नैनोमीटर, और जो एनर्जी सेकंड है उसके साथ आपको वेवलेंथ यानी कि λ2 दे रखा है बच्चों 400 नैनोमीटर। तो देखो बच्चों अगर वैल्यू पुट करेंगे आप, तो ये हो जाएगा λ2 तो कितना है 400, और λ1 कितना है मेरे बच्चों 800। यहां से अगर आप चेक करते हैं बेटा, तो आपको ये रेशियो मिल रहा है 1:2। अब रिलेशन अगर चेक किया जाए बच्चों, तो E2 जो है ये 2×E1 की इक्वल है, यानी कि E2 का मैग्नीट्यूड 2 times होगा बच्चों किसके, E1 के। इस तरह का आपको रिलेशन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ठीक है डियर? तो आप देख सकते हैं यहां पर E2 इक्वल टू 2E1, ये ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर आपको 3 टिक करना पड़ेगा बेटा, क्लियर है बात? तो आगे चलते बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, जिसमें आंसर अपन 3 देंगे, E2 इक्वल टू 2E1। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज 2.5×10⁻¹⁶ ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड, विद वॉट एक्यूरेसी कैन इट्स पोजिशन बी डिटरमाइंड। यानी कि बच्चों आपको मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम गिवन है क्वेश्चन में, और चेंज इन पोजिशन आपसे बच्चों पूछ रहा है। तो बच्चों चेंज इन पोजीशन अगर आपको कैलकुलेट करनी है, तो आपको यहां पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा। बच्चों हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था, हाइजेनबर्ग ने कहा था कि किसी भी पार्टिकल के लिए, किसी भी माइक्रो पार्टिकल के लिए, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर एक ही क्षण पर एक साथ उसके स्थिति तथा संवेग में
मान या एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात करना संभव नहीं है, परंतु परिवर्तन का मान ज्ञात करना संभव है। और उसके लिए बच्चों हाइजेनबर्ग ने एक इक्वेशन भी दिया था, एक इक्वेशन भी प्रोवाइड किया था। क्या इक्वेशन दिया था देखते हैं बच्चों किस तरह से इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे और किस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए बेटा क्या इक्वेशन है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग बच्चों, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू दी एच अपॉन 4 पाई, इस तरह का इक्वेशन दिया था बेटा। अब डेल्टा पी जो है ये आप देख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम है जो कि आपको गिवन है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16 और सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है। डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू दी प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का वैल्यू कितना होगा 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34। ये तो होता है बेटा जूल इंटू सेकेंड में, पर ये सीजीएस में लिया है तो इसको भी सीजीएस में ले लें। तो सीजीएस में बच्चों ये सीजीएस में कितना हो जाएगा, ये 10 टू दी पावर माइनस 27 हो जाएगा सीजीएस यूनिट के अंदर, ठीक है, अपॉन 4 इंटू पाई का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों 3.14। यहां से बच्चों डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है आपको, जो कि चेंज इन पोजिशन है। चेंज इन पोजिशन को आप लिख पाएंगे बच्चों, चेंज इन पोजिशन को क्या लिख पाएंगे, तो डेल्टा एक्स लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू दी 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27, ठीक है, अपॉन बच्चों 4 ऑलरेडी है, 3.14 ऑलरेडी है और ये 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16, ये भी कहां चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो बच्चों 10 टू माइनस 11 बच रहा है, ठीक है। और अब फाइनली इसको 10 टू माइनस 10 में कन्वर्ट कर लें तो ये 66.26 होएगा, 66.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 और डिवाइड करते बच्चों 4 इंटू 3.14 इंटू 2.5, यहां से डिवाइड करोगे तो इसे कैंसिल करने पर फाइनली आपको 2.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, इस तरह का आपको फाइनल आंसर ऑब्टेन होगा बेटा चेंज इन पोजिशन के लिए, स्थिति में अनिश्चितता के लिए। इसका मतलब आपका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर फर्स्ट चला जाएगा बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप आंसर देंगे बेटा फर्स्ट, क्लियर है। आगे चलते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद अपन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है देखते हैं बेटा। If the uncertainty in velocity and position is same, then the uncertainty in momentum will be. Okay, dear. आपको बच्चों दे क्या रखा है क्वेश्चन में, uncertainty in velocity, यानी कि सबसे पहले बच्चों आपको यहां पर क्वेश्चन में uncertainty in velocity दे रखी है और देखेंगे uncertainty in velocity आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 पाए यहां पर भी बच्चों आप वापस से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करने जा रहे हैं। अब बच्चों काम की बात सुन लो, आप डेल्टा पी को एम डेल्टा वी लिख सकते हो। बेसिकली डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम है और मोमेंटम जो है वो मास इनटू वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। बच्चों मास तो कांस्टेंट रहता है बट वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी वेरिएबल होती है, इसलिए डेल्टा पी को एम डेल्टा वी लिखा जाता है। तो मैं यहां नोट कर देता हूं इसको, बेसिकली डेल्टा पी बच्चों एम इंटू डेल्टा वी के इक्वल होता है। तो अगर आप डेल्टा पी की वैल्यू यहां पर एम डेल्टा वी पुट करते हो तो बेटा एम डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू दी एच अपॉन 4 पाई, ऐसा देखने को मिलेगा बच्चों। अब बच्चों सुनो, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है वेग तथा स्थिति में अनिश्चितता का मान समान है, यानी कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड पोजिशन आर सेम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ बेटा डेल्टा वी जो है ये डेल्टा एक्स के इक्वल गिवन है,
डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड डेल्टा एक्स के इक्वल है, तो आप बच्चों यहां डेल्टा एक्स को डेल्टा वी से रिप्लेस कर सकते हो। तो फाइनली एम डेल्टा वी इंटू यहां पर भी क्या लिख देंगे, डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू दी एच अपॉन 4 पाई, इस तरह का देखने को मिलेगा। अब बच्चों सुनो, हम क्या करेंगे यहां पर, हमको यहां पर डेल्टा पी रिक्वायर्ड है। आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, संवेग में अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम पूछ रहा है। तो ऐसे केस में आप बच्चों क्या करोगे, सुनो, यहां पर m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और m से ही डिवाइड कर देंगे, m से ही मल्टीप्लाई किया, m से ही डिवाइड किया है। तो ऐसे केस में ये m into m तो क्या हो गया बेटा, m स्क्वायर, डेल्टा v into डेल्टा v क्या हो गया, डेल्टा v स्क्वायर। फाइनली ये क्या ऑब्टेन होगा, m स्क्वायर into डेल्टा v स्क्वायर अपॉन में क्या रहेगा बच्चों, स्मॉल m ग्रेटर देन इक्वल टू दी एच अपॉन 4 पाई, ऐसा देखने को मिलेगा। अब बच्चों ये जो एम स्क्वायर डेल्टा वी स्क्वायर है, बच्चों एम स्क्वायर डेल्टा वी स्क्वायर जो है ये पूरी टर्म डेल्टा पी स्क्वायर की इक्वल कहलाएगी, तो इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा पी स्क्वायर। बेटा ध्यान देना, इसको मैं इधर लिखता हूं, डेल्टा पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू दी, और बच्चों ये जो एम है ना, इस एम को ऊपर शिफ्ट कर दो तो एच इंटू एम हो जाएगा। जैसे इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आपको ये ऑप्शन होगा एच एम अपॉन 4 पाई, ठीक है डियर। अब बच्चों डेल्टा पी कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू दी अंडर रूट में चला जाएगा सारा, अंडर रूट के अंदर क्या मिलेगा, एच एम अपॉन 4 पाई, इस तरह का फाइनल आंसर आपको बच्चों यहां से ऑप्टेन हो जाएगा। ये डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड आपको यहां से मिला है, तो डेल्टा पी का फाइनल मैग्नीट्यूड क्या मिल रहा है, अंडर रूट ऑफ एच एम अपॉन 4 पाई। इसी को वो 2 को अंडर रूट से बाहर निकाल सकता है, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ एच एम अपॉन पाई भी आपको दे सकता है ऑप्शन में। ध्यान रखें ऑप्शन पर डिपेंड करेगा आंसर क्या देना है, यहां से 2 को अगर बाहर भेज देगा तो 1/2 अंडर रूट ऑफ एच एम अपॉन 4 पाई हो जाएगा। अभी आप देखें ऑप्शन में कौन सा फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं बच्चों यहां फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें दिख रहा है अंडर रूट ऑफ एच एम अपॉन 4 पाई, इसलिए आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फर्स्ट चला जाएगा, ठीक है डियर। तो इस क्वेश्चन के लिए आप आंसर सेलेक्ट कर देंगे फर्स्ट, अंडर रूट ऑफ एच एम अपॉन 4 पाई, ठीक है डियर। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं बेटा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस वाज फाउंड टू कंटेन 0.032% ऑफ सल्फर, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, इफ इट्स वन मॉलिक्यूल कंटेन 2 सल्फर एटम्स, यानी कि मॉलिक्यूल जो है उसमें एटम्स ऑफ सल्फर जो आपको गिवन है बच्चों, इस कंपाउंड में एटम्स ऑफ सल्फर कितना दे रखा है, 2 एटम्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट है। ध्यान दे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये मोल कॉन्सेप्ट के परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेट करता है, तो जब भी परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेट करेगा तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन का एक फॉर्मूला याद आएगा। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है देखेंगे बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा एक्स से, नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास, या एम भी लिख सकता था, एटॉमिक मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और परसेंटेज के लिए बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फॉर्मूला आपको बेटा परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करने के लिए यूज में लेना पड़ता है, ठीक है डियर। अब बच्चों सुनो, यहां पर परसेंटेज ऑफ सल्फर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.032 सल्फर की परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है, 0.032%। अब बच्चों नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर एक्स है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, देख सकते हैं 2 एटम्स ऑफ सल्फर, तो एक्स का वैल्यू कितना पुट कर लोगे आप, 2 लिख लोगे। अब बच्चों एटॉमिक मास ऑफ सल्फर तो आप जानते हैं क्या, 32 होता है, सल्फर का एटॉमिक मास कितना है बच्चों, 32 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है बच्चों, अणुभार आपसे पूछा है, और परसेंटेज के लिए बच्चों क्या करेंगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से बच्चों मॉलिक्यूलर वेट फाइंड हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर दें, तो 2 × 32 × 100 अपॉन में क्या चला जाएगा, 0.032, पॉइंट हटाएंगे बेटा
और ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 1000 चला जाएगा, देख सकते हैं, और 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आप देख सकते हैं ये 100 और ये 1000, इसका मतलब 10 टू द पावर 5 है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 5, 2 इंटू 10 टू द पावर 5, इस तरह का मॉलिकुलर वेट का आपको आंसर मिलेगा बच्चों। आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 2 इंटू 10 टू द पावर प्लस 5, ठीक है डियर। तो 2 इंटू 10 टू द पावर 5 कहां दिख रहा है, देख सकते हैं आप, तो आपको बच्चों 2 इंटू 10 टू द पावर 5 फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है डियर। तो मॉलिकुलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 इंटू 10 टू द पावर 5, इट मींस 2 लाख, 2 लाख इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ दिस मॉलिक्यूल, क्लियर है। तो एटम्स ऑफ सल्फर 2 था, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 था, परसेंटेज गिवन है ऑलरेडी 0.032। इस तरह से बच्चों ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है डियर। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बातें करेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, देखें क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं बेटा। एज्यूमिंग दैट पेट्रोल इज ऑक्टेन, बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन में आपसे बोला है बेटा पेट्रोल इज ऑक्टेन, यानी कि जो पेट्रोल है उसमें मेन कंपोजिशन ऑक्टेन है बेटा, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है आपको C8H18, हैज ए डेंसिटी ऑफ 0.8 ग्राम पर ml, डेंसिटी दे रखा है ऑक्टेन के लिए, ठीक है डियर। फर्दर क्या कह रहा है देखें आप, 1.425 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन कंबशन, 1.425 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन कंबशन विल कंज्यूम, ठीक है, क्या कंज्यूम करेंगे, कितना कंज्यूम करेंगे, तो वो तो आपको ऑप्शन देख के पता लगेगा बेटा कि किसके कंज्यूम होने की बात कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में 100 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के 100 मोल्स। तो आपसे क्वेश्चन में एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है बच्चों, आपसे इस क्वेश्चन में वो ऑक्टेन के कंबशन के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पूछना चाह रहा है, आपसे इस क्वेश्चन में ऑक्टेन के कंबशन के लिए कितने मोल्स ऑक्सीजन की डिमांड है, कितने मोल ऑक्सीजन कंपलसरी है, कितने मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, इसके बारे में बच्चों यहां पर बात करना चाहता है। तो बच्चों अगर आपको यहां पर ऑक्टेन के कंबशन के लिए ऑक्सीजन की डिमांड निकालनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑक्टेन के मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे, और ऑक्टेन के मोल्स फाइंड करने के लिए बच्चों आपको ऑक्टेन का मास पता होना चाहिए। और ऑक्टेन का मास कैसे निकालोगे बच्चों, ऑक्टेन का मास निकालने के लिए डेंसिटी दे रखा है और डेंसिटी के साथ साथ वॉल्यूम दे रखा है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लगा सकते हैं आप, वहां से मास जो होगा वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो सबसे पहले बच्चों आओ चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्टेन का मास कैलकुलेट करते हैं। देखें बेटा इनिशियली जो डेंसिटी दे रखा है इसका यूनिट आप अच्छे से देख लें, आपको जो डेंसिटी दिया है बच्चों ऑक्टेन का ये गिवन है 0.8 ग्राम पर ml, यानी कि 1 ml ऑक्टेन का मास बच्चों, 1 ml ऑक्टेन हैव मास, 1 ml ऑक्टेन हैव मास 0.8 ग्राम, 1 ml ऑक्टेन हैव मास 0.8 ग्राम, बट आपको जो वॉल्यूम दिया है वो कितना है आप देखें तो सही, आपको वॉल्यूम दिया है बच्चों 1.425 लीटर्स, क्या बोल रहा है लीटर्स। तो हमें इस वॉल्यूम को पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको जो डेंसिटी दिया वो मिलीलीटर में दे रखा है बेटा, ठीक है। तो 1.425 लीटर्स को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये वॉल्यूम मिलीलीटर में ऑब्टेन होएगा, क्यों बेटा, क्योंकि 1 लीटर 1000 ml के इक्वल होता है, ठीक है डियर। तो देखें बच्चों यहां पर वॉल्यूम ऑक्टेन का जो वॉल्यूम है वो आपको मिलेगा 1.425 इंटू 1000, यानी कि यहां से 1425 मिलीलीटर, ये आपके पास बच्चों वॉल्यूम आ जाएगा ऑक्टेन का। अब बच्चों डेंसिटी भी है आपके पास 0.8 ग्राम पर ml और वॉल्यूम भी आ चुका है 1.1425 मिलीलीटर, तो यहां से डेंसिटी इक्वल टू द मास अपॉन वॉल्यूम, इस तरह से अपन यूज करेंगे। तो मास कैलकुलेट करना है बच्चों, मास ऑफ ऑक्टेन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों, डेंसिटी कितनी है देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ 0.8 ग्राम पर ml, तो 0.8 इनटू वॉल्यूम कितना है 1425 मिलीलीटर,
और बच्चों यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको इसका जो मास है ये ऑब्टेन होगा 1140 ग्राम। आपको ऑक्टेन का मास ऑब्टेन हो चुका है बच्चों यहां से 1140 ग्राम। इस तरह से आपको यहां से इसका मास ऑब्टेन हो जाएगा। अब बच्चों मास जब ऑब्टेन हो गया है तो आपको पहले यहां पर ऑक्टेन के कंबस्टन के लिए रिएक्शन बनाना पड़ेगा। जब तक आपको 1 मोल ऑक्टेन के कंबस्टन के लिए बैलेंस रिएक्शन नहीं पता है आप तब तक इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड डिमांड कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आपको रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो आप ऑक्टेन के कंबस्टन के लिए बैलेंस इक्वेशन बनाओ। देखो क्या इक्वेशन बनेगा, देखते हैं बच्चों किस तरह से बैलेंस इक्वेशन ऑब्टेन होगा। तो बच्चों ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या है, C8H18 ठीक है प्लस O2 क्या फॉर्म करेगा बच्चों 8 मोल्स ऑफ CO2 प्लस 9 मोल्स ऑफ H2O लिक्विड, ये CO2 गैस। इस तरह का बच्चों एक बैलेंस रिएक्शन मिलेगा। अब बच्चों मेरी बात सुनो, यहां पर ऑक्सीजन की अमाउंट चेक करें तो 8 × 2 = 16 है, कितना एटम है ऑक्सीजन का 16 और यहां देखें वाटर में कितना है 9, तो टोटल जो ऑक्सीजन एटम्स हैं प्रोडक्ट साइड में वो कितने 25 ठीक है। तो इधर रिएक्टेंट साइड में भी आपको 25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो ऐसे किस में क्या करेंगे बेटा यहां पर 25/2 कर लेंगे आप। तो 1 मोल ऑफ ऑक्टेन के लिए रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना रहे 25/2, ये स्टोइकोमेट्री देखें 1 मोल है तो 1 मोल ऑक्टेन के लिए अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है 25/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। अब आपके पास ऑक्टेन का मास कितना हो चुका है देख सकते हैं 1140 ग्राम, और बच्चों ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C8H18। यहां से बच्चों इस ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लो तो 12 × 8 करेंगे तो 96 और प्लस हाइड्रोजन का एटम मास 1 होता है बेटा तो 1 × 18 करेंगे, यहां से बच्चों ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर वेट आ चुका है 114 ग्राम पर मोल। अब सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे, आपके पास ऑक्टेन का मास है और ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास भी पता है तो ऐसे केस में आप सबसे पहले बच्चों मोल्स ऑफ ऑक्टेन बना सकते हैं। तो गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन आ जाएगा। गिवन मास कितना है ऑक्टेन का जो कि अपन ने ऑब्टेन किया है 1140 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्टेन कितना है देख सकते हैं 114 ग्राम पर मोल। यहां से मैं मोल्स ऑफ ऑक्टेन बना रहा हूं, इधर देखें मोल्स ऑफ ऑक्टेन ये हो जाएगा बेटा ऑब्टेन मास 1140 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 114। यहां से बच्चों 10 मोल्स ऑब्टेन हुआ है, यहां से ऑक्टेन का कितना मोल्स ऑब्टेन हुआ है 10 मोल्स ऑफ ऑक्टेन ऑब्टेन हो रहा है बेटा। अब बच्चों 10 मोल्स ऑफ ऑक्टेन जो है उसके कंबसन के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हुआ ये आपको यहां से चेक करना है। तो 1 मोल बेटा 1 मोल ऑक्टेन के कंबसन के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड था 25/2, तो 10 मोल्स के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन के मोल्स को, यहां से अपने को तुरंत अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड पता लग जाएगा कैलकुलेट हो जाएगा ठीक है डियर। तो बच्चों 10 मोल्स रिक्वायर्ड 10 मोल्स के लिए रिक्वायर्ड कितना होगा 1 मोल के लिए कितना है बेटा ऑक्सीजन 25/2 मोल्स, तो 10 मोल्स के लिए कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे ये 2 से 5 टाइम्स कैंसिल होगा ठीक है डियर। अब बच्चों 25/5 करेंगे तो 125 मोल्स आपके पास आंसर होगा। तो 125 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ ऑक्टेन। आप यहां से देख सकते हैं बच्चों 125 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपको 10 मोल्स ऑफ ऑक्टेन के कंप्लीट कंबसन के लिए रिक्वायर्ड होगा। इस तरह से बच्चों अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और आपका आंसर इस क्वेश्चन बच्चों सेकंड चला जाएगा, आपको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 125 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपको आंसर देना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ठीक है डियर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन। 11 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन CXHY ऑन कंप्लीट कंबसन गिव्स 33 ग्राम ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 दे रखा है बेटा 33 ग्राम ऑफ CO2 एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर
18 ग्राम मास ऑफ वाटर दे रखा है, देन व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर दिस हाइड्रोकार्बन, ठीक है डियर। तो बच्चों सबसे पहले आपको इस हाइड्रोकार्बन के कंबसन की रिएक्शन बनानी पड़ेगी। ये जो हाइड्रोकार्बन है बच्चों CXHY, इस हाइड्रोकार्बन के कंबसन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप बैलेंस रिएक्शन बना के देखो किस तरह से आप इसकी बैलेंस रिएक्शन बनाओगे, देखते बेटा बैलेंस इक्वेशन क्या बनने वाली है। तो हाइड्रोकार्बन है बेटा, यहां पर हाइड्रोकार्बन कौन सा है CXHY बेटा, ये जो हाइड्रोकार्बन है CXHY इसके कंबसन की रिएक्शन क्या बनेगी देखेंगे आप। तो CXHY ये हाइड्रोकार्बन है, इसका कंबसन करना है तो X प्लस Y बाय 4 O2 गिव्स X मोल्स ऑफ CO2 गैस प्लस Y बाय 2 मोल्स ऑफ H2O लिक्विड, इस तरह का बैलेंस रिएक्शन बेटा आपको CXHY हाइड्रोकार्बन के कंबसन के लिए ऑप्टेन होगा। मैंने कहा CXHY जो हाइड्रोकार्बन है उसके कंबसन के लिए आपने बैलेंस रिएक्शन लिख लिया है। अब बच्चों यहां से यहां पर X क्या है, यहां पर X बेटा कार्बन के एटम्स की नंबर है और यहां पर भी CO2 में कार्बन एटम्स की नंबर कितनी है, X के इक्वल है। तो बच्चों सबसे पहले आप ये देखें, आपको क्वेश्चन में मास गिवन है, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है 33 ग्राम ऑफ CO2 और यहां पर बेटा 18 ग्राम ऑफ वाटर मास दे रखा है दोनों कंपाउंड का, CO2 का भी और वाटर का भी। सबसे पहले बच्चों दिए गए मास से मोल्स बना लेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल आप गिवन मास की हेल्प से मोल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखते हैं बेटा CO2 के मोल्स कितने मिलते हैं और वाटर के मोल्स आपको यहां से कितने ऑब्टेन होते हैं। तो देखा जाए मोल्स ऑफ CO2 कितना मास है 33 ग्राम अपॉन CO2 का मॉलिक्यूलर वेट बेटा 44, तो यहां से 11 से कैंसिल कर दो बेटा तो 3/4 मोल्स CO2 आ जाएगा, CO2 के मोल्स कितने आ गए 3/4 मोल्स, ठीक है डियर। अब बच्चों वाटर के मोल्स बनाते हैं, तो मोल्स ऑफ H2O, मोल्स ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर कितना है बेटा 18 ग्राम और वाटर का मॉलिक्यूलर मास भी कितना होता है बेटा 18, तो यहां से बच्चों आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आ रहा है 1 मोल ऑफ वाटर ऑब्टेन होगा, यहां से देख पा रहे हैं आप 1 मोल ऑफ वाटर है और 3/4 मोल्स ऑफ CO2 है बेटा, ठीक है डियर। अब बच्चों आपके पास हाइड्रोकार्बन का कितना मास है 11 ग्राम, तो हाइड्रोकार्बन का मास 11 ग्राम है, ठीक है, तो 11 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन से आपको CO2 मिल रहा है 33 ग्राम और 11 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन से वाटर कितना मिल रहा है 18 ग्राम। अब आपको बच्चों क्या करना है, इनकी स्टोइकोमेट्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैं CO2 की स्टोइकोमेट्री X से कार्बन एटम्स की नंबर फाइंड कर पाऊंगा, इस बात को आप अच्छे से समझ ले बेटा, आपको CO2 की मोल्स या CO2 में कार्बन एटम्स की नंबर पता लगानी है। तो X जो होगा इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं यहां पर, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, इस तरह से बच्चों यहां से X की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, ठीक है डियर। तो X का वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मोल्स ऑफ CO2 कितना आ रहा है 3/4 मोल्स, तो आप लिख सकते हैं X इक्वल टू दी 3/4 मोल्स ऑफ CO2 अपॉन हाइड्रोकार्बन का कितना मोल है, यहां से आप चेक कर सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन का जो मोल है बेटा वो 11 ग्राम हाइड्रोकार्बन है टोटल और इस 11 ग्राम हाइड्रोकार्बन के लिए आपको मोल्स कैलकुलेट करना था, तो आपको यहां से X की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है डियर। हम देख रहे हैं कि X का जो वैल्यू है वो 3/4 मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, गिवन मास ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना है बेटा 11 और उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है उसको MW मान लेंगे या कैपिटल M मान लेंगे, तो हाइड्रोकार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसे MW मान लिया जाए। तो बच्चों X का वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन,
इन दोनों के रेशो से ऑब्टेन होगा। अब बच्चों यहां से 11 अपॉन एमडब्ल्यू का जो वैल्यू है, 11 अपॉन एमडब्ल्यू, इसको इधर ले जाएंगे, जो कि इक्वल मिलेगा 3/4 एक्स के इक्वल मिलेगा। इस तरह का वैल्यू मिल जाएगा बेटा यहां से, 11 अपॉन मॉलिकुलर वेट इक्वल टू 3/4 एक्स। अब बच्चों वाटर के जो मोल्स आपने कैलकुलेट किए, आपके पास वाटर का कितना मोल है, 1 मोल ऑफ वाटर आपके पास ऑब्टेन हुआ है। तो बच्चों 1 मोल ऑफ वाटर की हेल्प से भी आप y/2, देखें वाटर की स्टोइकोमेट्री कितनी है यहां पर, बच्चों वाटर की स्टोइकोमेट्री y/2 है, तो y/2 की वैल्यू जो होगी वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के रेशियो के इक्वल होगी। ठीक है डियर, तो इसको इधर चेक करते हैं अपन। बेटा y/2 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है यहां से अपन कैलकुलेट किया हुआ है, 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन गिवन मास 11 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्या मान रखा है mw, यहां से भी 11 अपॉन mw की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों 11 अपॉन mw का जो वैल्यू है ये आपको ऑब्टेन हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, तो ये y/2 इधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन y/2 यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, y नीचे रह जाएगा। तो यहां से अपने को बेटा 11 अपॉन mw की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 अपॉन y, और यहां से बच्चों 11 अपॉन mw की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 अपॉन 4x। तो क्या मैं दोनों की वैल्यू, जो 11 अपॉन mw की वैल्यू है, इस 11 अपॉन mw की वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दो बेटा, 11 अपॉन mw की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो जैसे वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन y, ये कितना है 2 अपॉन y इज इक्वल टू दी, इधर कितना ऑब्टेन हो रहा है, 3 अपॉन 4x। ठीक है डियर, अब बच्चों x को ऊपर शिफ्ट कर दो और 2 को नीचे शिफ्ट कर दो, तो यहां से x अपॉन y इक्वल टू दी 3 अपॉन 4 × 2 यानी कि 8 हो जाएगा, यानी कि x अपॉन y का जो रेशियो है वो 3:8 आ जाएगा, यानी कि x जो है वो तो कार्बन एटम्स की नंबर के इक्वल है, और बच्चों y जो है ये हाइड्रोजन एटम्स की नंबर को शो कर रहा है। इसलिए आपको बच्चों यहां से फॉर्मूला जो मिलेगा, कार्बन तो कितने हैं 3 और हाइड्रोजन कितने मेरे बच्चों 8, हाइड्रोजन 8 है, इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बनेगा वो आपको यहां से मिलना चाहिए, C3H8, यानी कि ये प्रोपेन होगा। ठीक है डियर, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज C3H8, इट मींस आंसर ऑफ द क्वेश्चन बिकम्स 4th, आंसर ऑफ द क्वेश्चन बिकम्स 4th। इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखें मास की टर्म में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करें, आप पहले मास की हेल्प से मोल्स बना लें, ठीक है, और मोल्स बनाकर पहले एटम्स ऑफ एक्स फाइंड कर लें, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यहां से 11 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। सिमिलरली आपको मोल्स ऑफ वाटर अपॉन मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन से y/2, जो कि इस बैलेंस रिएक्शन में वाटर की स्टोइकोमेट्री है, उसका वैल्यू मिल जाएगा। जैसा कि मैंने यहां पर कैलकुलेट किया हुआ है, y/2 का वैल्यू जो है मोल्स ऑफ वाटर 1 अपॉन मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना बेटा, 11 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल है। यहां से बच्चों आपने 11 अपॉन mw का वैल्यू कितना ऑब्टेन हुआ है, 2 अपॉन y के इक्वल ऑब्टेन हुआ है। इस वैल्यू को आप शिफ्ट कर दोगे बच्चों यहां पर 11 अपॉन mw में, जब आप ये वैल्यू यहां शिफ्ट करोगे तो बच्चों यहां से x अपॉन y का जो रेशियो है वो 3:8 के इक्वल मिलेगा, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन तो कितना आ चुका है 3, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया बेटा यहां से 8 आ गया है। इस तरह से बच्चों अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। क्लियर है बच्चों, आगे चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 देखें, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, और फॉर्मूला आपको दे रखा है Mg3PO4 का होल ट्वाइस, आपको फॉर्मूला क्या दे रखा था, Mg3PO4 का होल ट्वाइस। तो बच्चों देखते हैं इसे, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, यानी कि Mg3PO4 का होल ट्वाइस, इस मैग्नीशियम फॉस्फेट में 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने में प्रेजेंट होगा, ऐसा कह रहा है। फिर से देखें, मैग्नीशियम फॉस्फेट के कितने मोलों में
ऑक्सीजन परमाणुओं के 0.25 मोल उपस्थित होंगे या हैं। अब बच्चों मेरी बात सुनो, यहां पर जो ये फॉर्मूला लिख रहा है ये वन मोल को शो कर रहा है, ये जो फॉर्मूला है ये बच्चों वन मोल, एक मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट को शो कर रहा है। देखते हैं कैसे। बेटा आपके पास फॉर्मूला क्या है, Mg3PO4 का होल ट्वाइस, ये मॉलिकुलर फॉर्मूला है। बेटा आप देखो 4 × 2 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यहां पर है, इसकी स्टोइकोमेट्री 1 है, तो 1 मोल कंपाउंड में एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 × 2 8 के इक्वल है। बट आपको 1 मोल में नहीं चाहिए, आपको तो ओनली कितने में चाहिए, 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है 8 मोल्स नहीं चाहिए, हमको केवल 0.25 मोल्स ऑक्सीजन के बारे में पता लगाना है। 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन तो 1 मोल कंपाउंड में है, तो 0.25 मोल्स ऑक्सीजन कितने में होगा, तो इसके लिए आप चूकी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है भैया, देखिए कैसे सोल्व करते हैं। बेटा हमसे कह रहा है मैग्नीशियम फॉस्फेट का 1 मोल है, तो 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर इन 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट, 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट। ठीक है डियर, देन 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने में प्रेजेंट होगा, 1/8 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट होगा, तो 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1/8 × 0.25। यहां से कैलकुलेट करें बच्चों, तो कैलकुलेट करते ही आपको मिलेगा 3.125 × 10⁻²। इतने मोल्स मैग्नीशियम फॉस्फेट के रिक्वायर्ड होंगे किसके लिए, 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को ऑब्टेन करने के लिए। तो 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने मोल्स मैग्नीशियम फॉस्फेट होगा, 3.125 × 10⁻²। A and B are two elements which form compounds AB2 and A2B3. If 0.2 moles of AB2 weight 8 gram, देखो बेटा two molecules form हो रहे हैं, एक तो molecule है बेटा AB2 और दूसरा molecule क्या है A2B3, और further आपसे कहा है बच्चों question में 0.2 moles of AB2 का जो mass है वो 8 gram है, ठीक है, और 0.1 mole of A2B3 का mass आपको given है बेटा 7 ग्राम, देन डिटरमाइन द एटॉमिक वेट्स ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो बच्चों ध्यान रखें, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आपको सबसे पहले गिवन मास की हेल्प से दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। बेटा 0.2 मोल का मास दे रखा है, आप 1 मोल मॉलिक्यूल का मास निकाल लो, अगर आप किसी कंपाउंड के 1 मोल का मास निकालते हो तो 1 मोल का मास बच्चों मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, किसी भी मॉलिक्यूल के 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। तो बच्चों मुझे AB2 और A2B3 दोनों कंपाउंड्स के लिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड का मास कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। ठीक है डियर, देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट होगा। बच्चों फर्स्ट जो कंपाउंड है ये है यहां पर AB2, और AB2 कंपाउंड के लिए आपको 0.2 मोल का मास दे रखा है, 0.2 मोल हैव 0.2 मोल हैव 8 ग्राम, देन 1 मोल हैव, 1 मोल के लिए जो मास होगा वही क्या होगा बेटा मॉलिक्यूलर मास होगा, तो 8/0.2 कर दो, यहां से आपको बेटा ये 40 ग्राम पर मोल ये मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा बेटा AB2 कंपाउंड के लिए। तो AB2 के लिए मॉलिक्यूलर वेट आ चुका है 40 ग्राम पर मोल। सिमिलरली बच्चों अनदर जो कंपाउंड है, नेक्स्ट कंपाउंड आपको दे रखा है A2B3, इसके लिए भी मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, तो फॉर A2B3 0.1 मोल
0.1 मोल है मास 0.1 मोल का मास कितना है 7 ग्राम। तो बच्चों 1 मोल कंपाउंड का मास कितना होगा, 1 मोल का मास कितना हो जाएगा इक्वल करके लिख देंगे 7/0.1। यहां से बच्चों आपको 70 ग्राम पर मोल ये A2B3 के लिए मॉलिक्यूलर वेट फाइंड हो जाएगा। तो A2B3 का भी मॉलिक्यूलर वेट निकाल चुके हैं और AB2 कंपाउंड का भी मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर चुके हैं। अब मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो सारे एटम्स के एटमिक मास के सम के इक्वल होता है। किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट है बच्चों, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सारे के सारे एटम्स के एटमिक मासेस के सम के इक्वल होता है। उसी कंसेप्ट से मैं यहां पर 2 इक्वेशन बनाऊंगा और उन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से एटम ए और एटम बी दोनों के लिए एटमिक मास कैलकुलेट करूंगा। देखिए बेटा किस तरह से इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इनिशियली इक्वेशन फर्स्ट कैसे बनेगा, ए प्लस 2 एटम्स ऑफ बी है तो ए प्लस 2 बी इक्वल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ AB2 कितना है 40 और सेकेंड मॉलिक्यूल के में बेटा एटम्स ऑफ ए कितना है 2 तो 2A प्लस 3B मॉलिकुलर मास कितना है देख सकते हैं 70 ग्राम पर मोल। अब बच्चों यहां 2A है इसको भी मुझे 2A में कन्वर्ट करना है तो मैं इस कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा। मैंने इक्वेशन नंबर 1 को कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 2A और ये 4B हो जाएगा, यानी कि ये जो इक्वेशन है बच्चों ये मॉडिफाई हो जाएगा। इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, ये हो चुका है 2A प्लस 4B इक्वल टू ये 40 × 2 = 80 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इस सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे बेटा इक्वेशन 1 में से तो 2A प्लस 3B इक्वल टू 70 यहां माइनस कर लेते हैं तो बच्चों 2A से 2A खत्म हो जाएगा। फाइनली यहां माइनस करेंगे तो 4B में से 3B जाएगा तो B बचेगा और 80 माइनस 70 करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि 10 यूनिट बी के लिए एटमिक मास आ चुका है 10 यूनिट। अब बी का जो एटम मास आया बेटा इस बी के एटमिक मास को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, बी के एटम मास को किसी भी इक्वेशन में पुट करके एटम ए का एटमिक मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। देखो कैसे, तो बी का एटम मास कितना है 10। अब इस बी के एटम मास को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने जा रहा हूं बेटा तो बेटा 2 × A प्लस 3 × B, बी मतलब कितना 10 इक्वल टू मॉलिकुलर वेट कितना है 70। यहां से बच्चों 2A इस 10 × 3 कितना है 30, इसको उधर शिफ्ट कर दो तो 70 माइनस 30 कितना बचेगा 40। यहां से A का जो एटम मास है वो बेटा 40/2 आ जाएगा, यानी कि 20 यूनिट्स ऑप्टेन हो जाएगा। तो बच्चों A का एटमिक मास तो ऑप्टेन हुआ है 20 यूनिट्स और B का एटमिक मास ऑप्टेन हो चुका था 10 यूनिट्स, ठीक है डियर। तो A के लिए 20, B के लिए 10, ऐसा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर जाएगा। देख सकते हैं A के लिए 20 यूनिट्स और B के लिए 10 यूनिट्स, इसका मतलब क्या हुआ आपके लिए ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है डियर। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटा इस क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं पहले, क्या है, कैलकुलेट द वेट ऑफ द बेरियम क्लोराइड नीडेड फॉर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट फ्रॉम 30.5 मिलीलीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4। यानी कि बच्चों क्वेश्चन में बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट करने वाला है, H2SO4 के साथ रिएक्ट करने वाला है। तो बेरियम क्लोराइड जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। BaCl2 को जब H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कंबाइन करेंगे तो बच्चों यहां पर बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखाई देगा और बेरियम सल्फेट का जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स को H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट्स के इक्वल पुट करके सबसे पहले आपको बेरियम क्लोराइड के ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने पड़ेंगे बेटा, ठीक है डियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस क्वेश्चन के लिए हम बैलेंस रिएक्शन बना के देखते हैं क्या बैलेंस रिएक्शन यहां से ऑप्टेन होगा, चेक करते हैं बेटा। इक्वेशन होगा बेटा BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स
BaSO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl, इस तरह का बैलेंस रिएक्शन बच्चों यहां से आपको ऑब्टेन हुआ है। अब बच्चों ये BaCl2 भी रिएक्टेंट है और H2O4 भी रिएक्टेंट है, तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहां पर BaCl2 के ग्राम इक्विवेलेंट H2O4 के ग्राम इक्विवेलेंट्स के इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूं ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेरियम क्लोराइड इज इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। ठीक है डियर। अब बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। यहां क्या लिखा फॉर्मूला मैंने, मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर, और इधर मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन में बेटा H2SO4 की नॉर्मलिटी दे रखी है 0.1 और वॉल्यूम दे रखा है 30.5 मिलीलीटर, तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, इस तरह से अपन इसको ग्राम इक्विवेलेंट्स के फॉर्मूलों से कोरिलेट करेंगे, इक्वल करेंगे। अब बच्चों वैल्यू पुट करते हैं, मुझे मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड कैलकुलेट करना है, तो मोल्स इनटू बेरियम क्लोराइड का वैलेंस फैक्टर कैसे देखेंगे, यहां चार्ज होगा +2, क्लोरीन पे चार्ज कितना होगा -1, तो यहां से जब दोनों का चार्ज डिफरेंट है तो वैलेंसी हो जाएगी बेटा 2 × 1, यानी कि वैलेंस फैक्टर ऑफ BaCl2 कितना जाएगा 2। बेटा यहां पर मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर 2 पुट कर दिया इज इक्वल टू द नॉर्मलिटी ऑफ H2O4 कितनी दी रखी है 0.1, ये नॉर्मलिटी ऑफ H2O4 0.1, वॉल्यूम कितना है H2O4 का देख सकते हैं 30.5 मिलीलीटर, और बच्चों 30.5 मिलीलीटर, मिलीलीटर को बच्चों लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। यहां से मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड ऑब्टेन करना है तो 2 भी नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो बेटा यहां से मोल्स ऑफ BaCl2 आपको मोल्स ऑफ BaCl2 मिलेगा, देखो बच्चों 2 नीचे शिफ्ट होगा, ये ऑलरेडी कितना हो गया है 0.1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3.05 अपॉन 2000 ये बचेगा, यहां से आपको मोल्स आ चुके हैं बेटा, ये हो चुके हैं बेटा मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड जो आ रहे हैं उनसे हमको मास पता लगाना है, तो BaCl2 का मॉलिकुलर वेट आपको पता होना चाहिए, तो BaCl2 का मॉलिकुलर वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं बेटा। तो BaCl2 के मॉलिकुलर वेट के लिए बच्चों बेरियम का एटम मास कितना होता है 137, बेरियम का एटम मास होगा बच्चों 137, क्लोरीन का सिंगल एटम का मास होता है बेटा 35.5, और यहां 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन है तो हो जाएगा 71, तो 137 प्लस 71, यहां से अगर आपको मॉलिकुलर वेट फाइंड करना पड़ेगा तो 7 + 1 = 8 हो जाएगा, ठीक है डियर, और 7 + 3 = 10 हो जाएगा, ठीक है 0, 1 बचेगा, तो यहां से मॉलिकुलर वेट ऑफ BaCl2 आ रहा है बेटा 208, यहां से बेरियम क्लोराइड का मॉलिकुलर मास 208 के इक्वल आ रहा है। बच्चों बेरियम क्लोराइड का जो मॉलिकुलर मास है 208, उसको मोल्स जो ऑब्टेन किए हैं बेरियम क्लोराइड के उनसे मल्टीप्लाई कर दो, तो बेरियम क्लोराइड के मोल्स आपने कितने ऑब्टेन किए हैं देख सकते हैं 3.05 अपॉन 2000, तो मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड 3.05 अपॉन 2000, इसको मॉलिकुलर वेट 208 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां से आपको W यानी कि मास ऑफ बेरियम क्लोराइड ऑब्टेन होगा, जिसका मैग्नीट्यूड बच्चों कैलकुलेट करने पर 0.32 के इक्वल ऑब्टेन होगा, इसलिए बच्चों यहां से क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर देंगे फर्स्ट, इस तरह से बच्चों अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है डियर। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, 10 ml ऑफ 10% NaOH वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है इज एडेड टू 10 ml ऑफ 10% HCl वेट बाय वॉल्यूम, द रिजल्टेंट सॉल्यूशन बिकम्स, तो आपसे बच्चों इस क्वेश्चन में रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नेचर पूछ रहा है, आपको यह बताना है कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक होगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन बेसिक होगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, किस नेचर का आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलने वाला है ये आपको यहां से आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए बच्चों आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके ज्यादा हैं। बच्चों अगर इस क्वेश्चन में एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट्स ज्यादा होंगे तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, बच्चों अगर इस क्वेश्चन में बेस के ग्राम इक्विवेलेंट्स ज्यादा होंगे तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बच्चों बेसिक ऑब्टेन होगा, तो डिपेंड करता है बच्चों किसके ग्राम इक्विवेलेंट्स आपको इस क्वेश्चन में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो चेक करते हैं बच्चों, पहले आप नॉर्मलिटी कैलकुलेट करोगे
और नॉर्मलिटी ऑब्टेन होने के बाद नॉर्मलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बच्चों इस क्वेश्चन में ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑब्टेन हो जाएंगे। देखते बच्चों, सबसे पहले हम नॉर्मलिटी कैलकुलेट करते हैं NaOH और HCl सॉल्यूशन के लिए। देखते बेटा, तो नॉर्मलिटी ऑफ NaOH इक्वल टू द मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा 10 ग्राम और इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH कितना होगा 40, परसेंटेज दे रखा है वॉल्यूम तो 100 ml होगा, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों यहां से आपको नॉर्मलिटी ऑब्टेन हो गई है, देख सकते हैं 10/4 यानी कि 2.5 N, ये NaOH सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी है। सिमिलरली HCl सॉल्यूशन की भी नॉर्मलिटी देखते हैं, तो HCl के लिए आपको बच्चों यहां पर भी 10 ग्राम HCl है और HCl का इक्विवेलेंट मास होगा 36.5, वॉल्यूम यहां पर भी बच्चों 100 ml है, लीटर में कन्वर्ट कर लूंगा 1000 से मल्टीप्लाई किया है, कैंसिल होगा बेटा और यहां से 100/36.5 ये नॉर्मलिटी ऑब्टेन हो जाएगी बेटा। ठीक है, ये HCl के लिए नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी ऑफ HCl। अब बच्चों दोनों का वॉल्यूम दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है देख सकते हैं, 10 ml ऑफ NaOH और 10 ml ऑफ HCl। ठीक है डियर, तो बच्चों NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट्स बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH नॉर्मलिटी कितनी है 2.5 और वॉल्यूम मिलीलीटर में है 10, तो आपको यहां से 25 मिली इक्विवेलेंट्स ऑब्टेन होंगे। यहां से NaOH के मिली इक्विवेलेंट्स, क्योंकि वॉल्यूम को ml में लिया है इसलिए NaOH के मिली इक्विवेलेंट्स बेटा 25 मिली इक्विवेलेंट्स ऑब्टेन होंगे। इसी तरह NaOH के मिली इक्विवेलेंट्स देखें तो HCl के मिली इक्विवेलेंट्स देखें तो HCl के मिली इक्विवेलेंट्स के लिए बच्चों नॉर्मलिटी कितनी है 100/36.5, वॉल्यूम कितना है बेटा 10 ml, तो यहां से 1000/36.5 इतने मिली इक्विवेलेंट्स ऑब्टेन हुए हैं। और जाहिर सी बात है बेटा HCl के जो मिली इक्विवेलेंट्स हैं उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा ऑब्टेन हो रहा है, लगभग 37 के आसपास मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहां से, तो यहां से आपको बेटा HCl के जो मिली इक्विवेलेंट्स हैं वो ज्यादा ऑब्टेन हो रहे हैं और आपको NaOH के मिली इक्विवेलेंट्स बेटा कम ऑब्टेन हो रहे हैं। तो अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के मिली इक्विवेलेंट्स ज्यादा हैं तो आप कहेंगे रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो नेचर है वो आपको एसिडिक ऑब्टेन होगा। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नेचर आपको इस कॉन्सेप्ट पर मिलेगी कि आपको किसके मिली इक्विवेलेंट्स ज्यादा ऑब्टेन होंगे। अगर सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड के मिली इक्विवेलेंट्स ज्यादा हैं तो आप कहेंगे रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होगा। अगर रिजल्टेंट सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस के मिली इक्विवेलेंट्स ज्यादा हैं तो आप कहेंगे रिजल्टेंट सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होगा। तो अभी आपको HCl के मिली इक्विवेलेंट्स ज्यादा मिल रहे हैं बेटा, इसलिए आप आंसर देंगे रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक होगी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आंसर आपको थर्ड देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10th के लिए आपको आंसर थर्ड टिक करना पड़ेगा। ठीक है डियर, आगे चलते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैराग्राफ दिया हुआ है और पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपने पैराग्राफ को पढ़ना है कि पैराग्राफ में आपको क्या क्या डेटा दिए हुए हैं और पैराग्राफ में दिए हुए डेटा के बेसिस पर अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करने देखेंगे बेटा। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अपन पैराग्राफ के इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, देखते हैं बेटा। सबसे पहले देखें पैराग्राफ क्या बोल रहा है बेटा, ए क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑन बीइंग रेंडर्ड एनहाइड्रस लूजेस 43.3% ऑफ इट्स वेट, यानी कि एक जलयोजित क्रिस्टलीकृत लवण है उसको निर्जलीकृत कर रहे हैं तो यह अपने भार का 43.3% रिलीज कर देता है, लूज कर देता है, जो कि वाटर के फॉर्म में रिलीज कर रहा है। यह जलयोजित लवण या जल के जो विघटित हुआ है उस लवण का प्रतिशत संगठन आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, क्रोमियम की परसेंटेज दे रखी बेटा 18.4, पोटेशियम की परसेंटेज दे रखी बेटा 13.8%, सल्फर कितना दे रखा है 22.6% और बच्चों ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन है 45.2%। बच्चों सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप सबसे पहले इस यौगिक के लिए, इस कंपाउंड के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे। और मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको तरीका पता होना चाहिए, पैटर्न क्या है,
सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में सबकी परसेंटेज को मेंशन कर लेंगे। देखिए बेटा कैसे, बच्चों क्रोमियम, देन पोटेशियम, देन सल्फर, देन ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स आपके पास है बेटा। अब बच्चों क्रोमियम की परसेंटेज है 18.4, पोटेशियम की परसेंटेज है 13.8, सल्फर की परसेंटेज है बेटा 22.6 और ऑक्सीजन की परसेंटेज है बच्चों 45.2। सबसे पहले बच्चों गिवन परसेंटेजेस को एटॉमिक मास से डिवाइड करें, तो 18.4 को डिवाइड कर दें 52 क्रोमियम के एटम मास से, 13.8 को डिवाइड कर दें पोटेशियम के एटम मास 39 से, सल्फर का एटम मास 32 और ऑक्सीजन का एटम मास बच्चों 16। एटॉमिक मास से डिवाइड किया जाए तो आपको यहां से रेशो मिलेगा, ये ऑप्टेन होगा बेटा 0.35, ये ऑप्टेन हो रहा बच्चों 0.35, ये ऑप्टेन हुआ बच्चों 0.7 और ये ऑप्टेन हुआ बच्चों 2.8। इस तरह के मैग्नीट्यूड्स आपको एटॉमिक मासेस से डिवाइड करने के बाद मिलेंगे। अब क्या करेंगे, अब सबसे छोटी या सबसे लीस्ट नंबर से आप वापस इन रिलेटिव मास रेशियोज को डिवाइड करेंगे। जो आपको नंबर मिली है उसको आप सबसे लीस्ट नंबर से वापस डिवाइड करोगे तो आपको उन एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो ऑब्टेन हो जाएगा। देखो किस तरह से ऑब्टेन होगा, तो बच्चों फर्स्ट में आपको रेशियो मिलेगा 0.35 अपॉन 0.35, इट मींस वन एटम ऑफ क्रोमियम। सेकेंड यहां पर भी बच्चों 0.35 अपॉन 0.35, यहां पर भी वन एटम ऑब्टेन होगा। थर्ड में बच्चों 0.70 अपॉन 0.35, यहां बच्चों आपको टू एटम्स ऑब्टेन हुआ है। लास्ट में बच्चों 2.8 डिवाइड होगा 0.35 से, तो यहां बच्चों 8 एटम्स आपको ऑब्टेन हुआ है। ठीक है डियर, तो इस तरह से बच्चों आपको प्रत्येक एटम के लिए नंबर ऑफ एटम्स मिल गया है, जहां से मैं आपको इस मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं। तो इस मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, पोटेशियम 1 है, क्रोमियम 1 है, सल्फर 2 है और ऑक्सीजन 8 है, इसलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला बन चुका है KCrH2O8। इस तरह का एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ है। साथ में हाइड्रेटेड है, जलोजित है, तो एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी जलोजित करेगा, तो एक्स मोल्स ऑफ वाटर को इसने जलोजित कर लिया है बच्चों। ठीक है डियर, तो एक्स मोल्स ऑफ वाटर जिसका परसेंटेज आपको दे रखा है, तो आपको इस जल के अणुओं की संख्या एक्स का मान पता लगाना है, उसके लिए बच्चों आपको परसेंटेज कंपोजिशन का सूत्र प्रयुक्त करना पड़ेगा। अगर आप परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला लगा दें तो आपको जल की परसेंटेज दे रखी है 43.3% और जल का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18। ठीक है डियर, देखते किस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए बच्चों आपको इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। अगर आप इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हो तो मॉलिक्यूलर वेट की सहायता से आप x मोल्स ऑफ वाटर को x इनटू 18 लिख सकते हो, जहां से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड आपको यहां से ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है डियर, देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। देखो बेटा, तो परसेंटेज ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ H2O इज इक्वल टू दी x इंटू वाटर का मॉलिकुलर वेट 18 अपॉन इस कंपाउंड का मॉलिकुलर मास 39 प्लस 52 प्लस सल्फर के लिए हो जाएगा 64, टू एटम्स है ना, और 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए बेटा 128 हो जाएगा। यहां से ऐड किया जाए बेटा तो ये हो जाएगा 283 मिल रहा है, इसका मॉलिकुलर वेट 283 आ रहा है, इस यूनिट का मॉलिकुलर वेट। तो 283 प्लस x इंटू 18, वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर मास कितना होगा बेटा 18, तो कितने एटम्स ऑफ वाटर, कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है यहां पर, x मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, सिंगल मॉलिक्यूल का मास कितना है 18, तो x मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मास कितना होगा x इंटू 18। और परसेंटेज के लिए बच्चों यहां पर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा आपको वाटर की परसेंटेज रिलीज कितनी कर रहा है 43.3%, तो आप लिख देंगे 43.3 इज इक्वल टू द x इंटू 18 अपॉन 283 प्लस 18 इंटू x,
यानी कि 18x इनटू 100। यहां से बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x का वैल्यू बच्चों 11.92 आएगा, जिसे अप्रोक्सीमेटली 12 कह सकते हैं। एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड आएगा 11.92 मोल्स ऑफ वाटर, तो x का वैल्यू आ रहा है 12। इसका मतलब आपका जो फॉर्मूला होगा उसमें x के प्लेस पर आप क्या लिख दोगे, 12H2O। इसका मतलब फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, लास्ट जो फॉर्मूला है बेटा वो हो जाएगा के सी आर एस टू ओ एट डॉट 12H2O। इस तरह का फॉर्मूला आपको बच्चों देखने को मिलेगा इस कंपाउंड के लिए। तो बच्चों देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आपको इस पैराग्राफ में दिए हैं, किस तरह से आप इनके आंसर्स चेक करने वाले हो, टिक करने वाले हो। देखिए बेटा, ध्यान दे बेटा, तो 11th क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रेटेड सॉल्ट। आपको जो जलयोजित लवण दिया है उसका मूलानुपाती सूत्र क्या है, तो आपने अभी भी कैलकुलेट किया है बेटा, क्या था के सी आर एस टू ओ एट डॉट 12H2O। इसका मतलब आपका आंसर चला जाएगा बेटा 4th। आपको इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन में बेटा आपको मूलानुपाती सूत्र मिलेगा 4th, के सी आर एस टू ओ एट और 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपको प्राप्त हुआ है बेटा, इसलिए 12H2O आंसर में टिक हो जाएगा बेटा। तो 11th क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा 4th। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों क्वेश्चन पढ़े पहले, इफ 50 ग्राम ऑफ एबव हाइड्रेटेड सॉल्ट इज डिसॉल्व इन 150 ग्राम ऑफ वाटर, मोलालिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी। आपसे पूछ क्या रहा है बच्चों, मोलालिटी पूछ रहा है, आपको मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, वाटर का मास दे रखा है कितना 150 ग्राम, बच्चों सॉल्वेंट का मास दे रखा है 150 ग्राम, सॉल्यूट कितना है 50 ग्राम, तो सॉल्यूट 50 ग्राम है, सॉल्वेंट 150 ग्राम है, मोलालिटी का फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला बेस बात करनी है। सबसे पहले बच्चों जो जलयोजित लवण है उसका कंप्लीट मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होना चाहिए, विद 12 मोल्स ऑफ वाटर, 283 प्लस 12 मोल्स ऑफ वाटर का मास ऐड कर देंगे तो आपको टोटल मॉलिक्यूलर वेट फाइंड हो जाएगा, उसकी हेल्प से आप मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, देखते कैसे, बच्चों मोलालिटी स्मॉल m, मोलालिटी को किस रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m, तो स्मॉल m इक्वल टू दी मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 50 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 283 प्लस 12 इंटू 18 यानी कि 12 वाटर मॉलिक्यूल थे, सिंगल वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना है 18, तो 12 वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 12 इंटू 18 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर का मास क्वेश्चन में गिवन है 150 ग्राम, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से बच्चों आपको मोलालिटी का एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑब्टेन हो जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन है। देखे गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, तो क्या हो गया मोल्स बन गया, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है वाटर का मास 150 ग्राम, और इस मास को जो कि ग्राम में है इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहां से इसे कैलकुलेट करें बेटा, इसे कैलकुलेट करते ही आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा बेटा 0.67, आपका मोलालिटी का आंसर ऑब्टेन होगा 0.67 यूनिट, क्या होगा मोल पर किलोग्राम, मोल पर केजी। इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर पाएंगे। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ बच्चों नेक्स्ट दे रखा है पैराग्राफ नंबर 2, और पैराग्राफ नंबर 2 को पहले पढ़ते हैं बेटा, क्या पैराग्राफ में बोला गया है, किसके रिगार्डिंग आपसे बातें कर रहा है, देखते हैं बेटा। द ऑब्जर्व वेवलेंथ इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम वर फर्स्ट एक्सपेक्ट बाय वामर, वामर के थ्रू लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ ऑब्जर्व किया गया, वामर्स एम्पिरिकल फॉर्मूला इज, ठीक है तो वामर के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, 1/λ इक्वल टू दी आर एच, ये कौन है बेटा रिडबर्ग कांस्टेंट है, इनटू 1/2² बामर सीरीज के लिए एन वैल्यू बेटा लोअर एनर्जी लेवल कितना होता है 2,
लेमन सीरीज के लिए लोअर एनर्जी लेवल 1 होता है, बामर सीरीज है तो इस लोअर एनर्जी लेवल कितना होगा 2, तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये हायर एनर्जी लेवल है। ये जो एन है बेटा ये कौन है यहां पर, हायर एनर्जी लेवल है, और ये जो 2 है ये कौन है बच्चों यहां पर, लोअर एनर्जी लेवल है। ठीक है डियर, अब आगे देखते बेटा आगे क्या पूछता है आपसे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते क्या है, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, और रिलेशन गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू द 10^-10 मीटर। ठीक है, इन द बामर सीरीज ऑफ सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम, यानी कि He+1 जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ध्यान रखें बच्चों बोहर एटॉमिक मॉडल ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए अप्लाई होता है, या फिर जो अपन ये रेडबर्ग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए हीलियम जो कि सिंगल आयोनाइज्ड है, He+ जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और उसके लिए ये रेडबर्ग फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है डियर, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा आगे, इग्नोर द न्यूक्लियर मोशन इन योर कैलकुलेशन, यानी कि न्यूक्लियर की जो मोशन है उसको इग्नोर करना है, ओनली इलेक्ट्रॉन की मोशन पर ही ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़े, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ लिया है, तो बच्चों देखो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेटा बामर सीरीज है, हीलियम है, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करता है। ध्यान रखें सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य, जब भी आपसे बच्चों सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करेगा आपको सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फर्स्ट सीरीज के लिए मिलेगा, यानी कि N1 का वैल्यू बामर सीरीज के लिए 1 होना चाहिए और N2 की वैल्यू बच्चों 3 होनी चाहिए। जब भी फर्स्ट लाइन ऑब्टेन होगी, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज कहां से ऑब्टेन होगा, तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज 3-2-2 ऑब्टेन होगा, यानी कि थर्ड एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो आपको यहां पर बच्चों लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑब्टेन होगी। और अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछता है या मिनिमम वेवलेंथ की बात करेगा तो आप कहेंगे लास्ट लाइन अगर किसी सीरीज की है तो लास्ट लाइन के लिए हमेशा आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑब्टेन होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट लाइन के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए बच्चों यहां पर बामर सीरीज के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए N1 की वैल्यू तो 2 रहेगी और N2 की वैल्यू फर्स्ट लाइन के लिए 3 ऑब्टेन होगी, यानी कि N1 2 लेंगे और N2 3 लेंगे, देन अपन कैलकुलेशन कर लेंगे, देखते हैं किस तरह से अपन इसका एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट कर पाते हैं। देखो बेटा तो रिडबर्ग इक्वेशन अप्लाई करेंगे, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू द आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है डियर, तो 1 अपॉन लैम्डा फॉर हीलियम प्लस इक्वल टू द आर इंटू जेड एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम कितना होगा 2 स्क्वायर 1 अपॉन N1 कितना ले रहे हैं 2 का स्क्वायर माइनस N2 कितना लेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर। यहां से कैलकुलेट कर रहे बेटा, तो 1 अपॉन लैम्डा हीलियम इक्वल टू दी आर इंटू ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अंदर कितना बचेगा 1/4 माइनस 1/9, इस तरह का देखने को मिलेगा। बच्चों यहां से एलसीएम 36 हो जाएगा और 9-4 5 मिलेगा, यानी कि फर्दर इसको आप सोल्व करेंगे बेटा तो ये हो गया 1 अपॉन लैम्डा हीलियम इक्वल टू दी आर इंटू 4, ठीक है, और यहां क्या मिलेगा 5/36। बच्चों 4 से 36 को कैंसिल करेंगे 9 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली बच्चों यहां से लैम्डा हीलियम ऑब्टेन करना है, ये हो जाएगा अपोजिट कर देंगे इसको, रेसिप्रोकल कर दें तो 9/5 R, और 1/R की वैल्यू पुट कर दो तो बच्चों 9/5 × 1/R होता है 9/12 एंगस्ट्रॉम। यहां से कैलकुलेट कर ले बेटा, तो यहां से कैलकुलेट करने पर आपको वेवलेंथ जो है वो एंगस्ट्रॉम ऑब्टेन होगा, और ये आपको ऑब्टेन होगा बच्चों 1641.1 एंगस्ट्रॉम। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर दिया जाएगा सेकंड, 1641.1 एंगस्ट्रॉम इज द
लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज, इसलिए आंसर क्या देंगे आप? सेकंड। इस तरह से बच्चों अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है डियर, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते बेटो, हाउ मेनी लाइंस इन द स्पेक्ट्रम विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न फ्रॉम सेवंथ टू सेकंड सेल। सेवंथ एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन का जंप होता है, तो आपको कितने लाइंस स्पेक्ट्रम में ऑब्टेन होंगे? ध्यान रखें बच्चों, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी स्पेक्ट्रम में या किसी एटम के अंदर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर जंप करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस के लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या होते हैं उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अगर पर्टिकुलर सीरीज के लिए अगर लाइंस का फॉर्मूला आप पूछ ले तो आपको वो भी पता होना चाहिए बेटा। तो सबसे पहले आपसे इस क्वेश्चन में बच्चों उसने क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। तो देखते हैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला क्या है। देखो बेटा, इसको कैसे अपन सॉल्व कर पाएंगे। तो टोटल लाइंस बच्चों, टोटल लाइंस इक्वल टू दी एन टू माइनस एन वन इंटू एन टू माइनस एन वन प्लस वन अपॉन टू। इस तरह से बच्चों टोटल नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब एन टू क्या है बेटा? हायर एनर्जी लेवल। तो n2 की वैल्यू 7 है, n1 कितना है 2 है, इंटू 7 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में क्या है बेटा 2 है। यहां से देखें 7 माइनस 2 कितना होगा 5, और यहां भी 7 माइनस 2 कितना होगा 5। तो बच्चों ये 5 हो गया, इधर भी क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि 6 इंटू 5 बेटा 30। तो 30 बाई 2 आपको टोटल नंबर ऑफ लाइन्स बेटा 15 मिलेगा, यानी कि इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम विल बी 15। 15 लाइंस आर ऑब्टेन्ड इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेवंथ एनर्जी लेवल टू सेकेंड एनर्जी लेवल। इसका मतलब आपका आंसर क्या जाएगा? थर्ड इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थर्ड इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है पढ़ते हैं बेटे पहले। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स T1 अपॉन T2 इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। तो हाइड्रोजन एटम का तो बच्चों सेकंड ऑर्बिट बोल रहा है, और हीलियम आयन के लिए थर्ड ऑर्बिट बोल रहा है। सबसे पहले आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब तक आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नहीं पता होगा, आप एन और जेड का रिलेशन भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो देखते बेटा कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा एटम के लिए। बेटा एक्चुअल में जो बच्चों एटम को एक्चुअल में कैसा माना हुआ है, सर्कुलर माना हुआ है। एटम का जो पाथ है वो कैसा है? सर्कुलर पाथ है। बच्चों इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है उसे स्मॉल आर माना हुआ है, और इस सर्कुलर पाथ की जो सर्कमफेरेंस है वो कितनी बेटा 2 पाई आर, और इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी कितना है बच्चों? वी वेलोसिटी है। तो टाइम इक्वल टू दी सर्कमफेरेंस को डिस्टेंस मान लें और वेलोसिटी वी, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? टी इक्वल टू दी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम इक्वल टू दी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। देखेंगे टाइम पीरियड इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 2 पाई आर, वेलोसिटी कितनी है बच्चों वी। यहां पर इस फॉर्मूले में बच्चों आप बोर एटम की जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस का फॉर्मूला पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू आर का फॉर्मूला क्या होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पुट कर दो तो 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। इस तरह का रिलेशन आपको देखने को मिलेगा
बच्चों फाइनली हमको रिक्वायरमेंट किससे है, एक तो n से है, तो n स्क्वायर इंटू n कर देंगे तो n क्यूब हो जाएगा, तो t जो है n क्यूब के प्रोपोर्शनल है और z इंटू z z स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी n क्यूब, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी n क्यूब एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी z स्क्वायर। यहां से बच्चों इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर पाएंगे, तो रिलेशन हो जाएगा t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू दी n1 क्यूब अपॉन n2 क्यूब इंटू z2 स्क्वायर अपॉन z1 स्क्वायर। और बच्चों वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है डियर। तो बच्चों n1 यानी कि हाइड्रोजन एटम के लिए ऑर्बिट कौन सा है देख सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट है, तो n1 का वैल्यू तो पुट कर देंगे 2 और इसका क्यूब हो रहा है अपॉन। हीलियम आयन के लिए ऑर्बिट कौन सा है देख सकते हैं, थर्ड ऑर्बिट है, तो बच्चों n2 की वैल्यू 3 का क्यूब इंटू z2 का स्क्वायर, हीलियम के लिए एटमिक नंबर 2 होगा, तो यहां पुट कर देंगे आप z के प्लेस पर 2 का स्क्वायर अपॉन। बच्चों हाइड्रोजन के लिए एटम नंबर 1 होगा तो ये 1 का स्क्वायर। इसको फर्दर कैलकुलेट किया तो रेशियो मिलेगा बच्चों, ये 2 का क्यूब हो जाएगा 8 अपॉन ये 3 का क्यूब हो जाएगा बच्चों 27 इंटू ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो यहां से 8 इंटू 4 करेंगे बच्चों 32 अपॉन 27 नीचे बच रहा है, तो आपको फाइनली रेशियो मिलेगा बच्चों 32 अपॉन 27। आपको T1 और T2 का जो रेशियो मिल रहा है वो 32 अपॉन 27 के इक्वल ऑब्टेन हुआ है। इसका मतलब बच्चों आपका आंसर सेकंड ऑब्टेन होगा, 32 अपॉन 27 इज द करेक्ट रेशियो फॉर टाइम पीरियड्स फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम आयन। इस तरह से बच्चों अपन इस क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है डियर। हाँ तो बच्चों अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए बच्चों ये सारे के सारे सिंगल चॉइस क्वेश्चन थे, अब हम सेक्शन बी में एंटर कर रहे हैं बेटा, और सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चों ये सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं आपके सामने, और स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं बेटा। इफ ए स्केल ऑफ AMU इज डिफाइंड एज 1/16 पार्ट बाय वेट ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट एटॉमिक वेट ऑन दिस न्यूली डिफाइंड स्केल ऑफ AMU। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आपको एटॉमिक मास का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एटॉमिक मास के फॉर्मूला में आप 1/12 के प्लेस पर 1/16 पुट कर दो और अलग अलग एटम के लिए एटॉमिक मास चेक करते जाओ, किस एटम के लिए कौन सा एटम मास ऑब्टेन हुआ है, वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है यार। देखते हैं पहले एटॉमिक मास का फॉर्मूला, उसके बाद चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है यार। तो बच्चों एटॉमिक मास का फॉर्मूला है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, यानी कि किसी तत्व के एक परमाणु का भार, किसी तत्व के एक परमाणु का भार मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इंटू 1/12 करते थे वहां पर, यहां पर आपको 1/16 करना है, वहां पर अपन कार्बन आइसोटोप के लिए 1/12 करते थे, बट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है आपको 1/12 ना लेकर 1/16 लेना है पार्ट को, ठीक है डियर। तो 1/16 पार्ट से आपको कौन सा एटम मास करेक्ट ऑब्टेन होगा, कौन सा एटम मास इनकरेक्ट है, इस तरह से आपको वैल्यू पुट करके चेक करते जाना है, ठीक है डियर। देखते बेटा ऑप्शन वाइज कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट है, इसको चेक करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल एल्यूमिनियम के लिए चेक करते हैं, तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू दी एल्यूमिनियम के लिए सिंगल एटम का मास होगा बेटा 27 अपॉन Na, एल्यूमिनियम के लिए सिंगल एटम का मास कितना है 27 अपॉन Na, अपॉन कार्बन के लिए एटम मास कितना होगा बेटा 12 अपॉन Na सिंगल एटम के लिए, और मल्टीप्लाई करना बेटा 1/16 से, ठीक है, तो Na से Na कट जाएगा, 1/16 है तो 16 ऊपर चला जाएगा,
फाइनली यहां कितना रहेगा देख सकते हैं, 27 अपॉन 12 इंटू 16, कैंसिल कर दो बेटा, 4 से 3 टाइम, 4 से 4 टाइम, 3 से कैंसिल होगा ये 9 टाइम्स, तो 9 इंटू 4 यानी कि 36 आ रहा है, आपको जो एटम मास मिलेगा वो 36 ऑब्टेन होगा, इसका मतलब बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्टेन हुआ है। इसी तरह आपको चारों ऑप्शंस में वैल्यू पुट करके चेक करना बेटा, सारे एटम्स के एटमिक मासेज आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको जो भी एटम ऑप्शन में दिया है उनके एटमिक मासेज आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, फॉर्मूले में एटमिक मास पुट करते जाएं, जिस तरह मैंने एल्यूमिनियम के लिए पुट किया है, और 16 से मल्टीप्लाई करते जाएं, यहां से आपको जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा उसे टिक करना है, ठीक है डियर। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आया है, इसी तरह सेकेंड ऑप्शन के लिए भी क्या करेंगे, कैल्शियम का एटम मास 40 होता है, तो 40 अपॉन Na अपॉन 12 अपॉन Na इंटू 16 कर दोगे, यहां से 53.3 आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी बेटा करेक्ट जाएगा, आयरन का भी बेटा करेक्ट आएगा, और टाइटेनियम के लिए भी बच्चों आपको 64 ही ऑप्टेन होने वाला है। इस तरह से बच्चों यहां पर सारे आंसर सही है, यानी कि 1, 2, 3, 4 4 जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं 4 ऑल आंसर आर करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट गया है, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट गया है, और फोर्थ ऑप्शन में जो आपको आंसर दे रखा है वो भी करेक्ट गया है इस फॉर्मूले की रिगार्डिंग, ठीक है डियर। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं बेटा पहले। Which of the following can not be an empirical formula? कौन सा मूल अनुपाती सूत्र नहीं हो सकता? ध्यान रखें बच्चों, empirical formula कौन सा होता है? Empirical formula बच्चों वो formula है जिसमें सारे atoms का simplest ratio present हो, और molecular formula बच्चों वो formula होता है जिसमें सारे atoms की total number को present किया गया हो। तो empirical formula बच्चों वही formula होंगे जहां पर उस molecule में present सारे एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगा, और अगर सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है तो आप उसे एम्पिरिकल फॉर्मूला इंक्लूड नहीं कर पाएंगे बेटा। देखते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये C2H4, और बच्चों C2H4 में आप देख सकते हैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 से कैंसिल कर देंगे तो CH2 बनेगा, तो ये इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, CH2 बनेगा, C2H4 का empirical formula क्या बनेगा, CH2। तो ये C2H4 क्या है बेटा, molecular formula है। ये KMnO4, ये 1:1:4, इसका मतलब ये simplest ratio है, इसलिए ये answer में जाएगा बेटा। KMnO4 potassium permanganate का empirical formula है। Next H2S2O8, ये भी बेटा molecular formula है, ये भी answer नहीं जा सकता, क्योंकि इसको simple करेंगे 2 से तो 1:1:4 मिलेगा, ठीक है डियर। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, HSO4, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनना चाहिए, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन देखें, अमोनिया NH3, और यहां पर बच्चों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशियो 1:3 मिल रहा है, इसलिए ये भी बच्चों अमोनिया का एम्पिरिकल फॉर्मूला है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन में जो फॉर्मूला दिया है ये अमोनिया का एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके आंसर कौन कौन से जा रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए, आंसर इज 2 and 4, ऑप्शन 2nd and 4th बोथ आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है यार। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हां बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चयन कीजिए, करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों सबसे पहले स्टेटमेंट्स को आप पढ़ते हैं, देखें फर्स्ट ऑप्शन है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल रिमेंस द सेम, बच्चों जब तक इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में है ये बोहर की कौन सी हाइपोथेसिस है, ये नील्स बोहर की थर्ड हाइपोथेसिस है बेटा, कि जब तक इलेक्ट्रॉन सिमिलर ऑर्बिटल में रिवोल्यूशन कर रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, तब तक उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कॉन्स्टेंट बनी रहेगी, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बच्चों। बट ध्यान रखें जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जाएगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा,
जैसे इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल जंप करेगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। ध्यान रखें सिमिलर एनर्जी लेवल में है, एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी ऑलवेज सेम रहेगी, सिमिलर रहेगी, उसमें आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा बच्चों। ठीक है डियर, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल रिमेन्स सेम। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन आपको यहां पर करेक्ट देखने को मिला है, इसका मतलब फर्स्ट सही है। सेकंड देखते हैं बच्चों, डी एक्स वाई ऑर्बिटल इज लाइज इन द वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन गलत बात है, कौन से प्लेन में होना चाहिए बच्चों, एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए, जैसा कि दिख रहा है डी एक्स वाई तो क्या रहा एक्स और वाई, इसका मतलब कौन सा प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन होगा, इसलिए सेकेंड ऑप्शन बच्चों इनकरेक्ट है, ये यहां पर इनकरेक्ट हुआ। थर्ड ऑप्शन देखो बच्चों, नोडल प्लेन्स आर वाई जेड एंड एक्स वाई एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, ये भी बच्चों इनकरेक्ट है, क्योंकि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में नोडल प्लेन एक एंगुलर प्लेन होता है जो कि 45 डिग्री पर पाया जाता है बेटा। तो यहां पर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की अगर आप शेप देखें, स्ट्रक्चर देखें, तो आपको कैसे देखने को मिलेगी, देखते हैं बेटा। बेटा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहां तो मिलेगा बेटा ये तो गया डी एक्स स्क्वायर और यहां मिलेगा बच्चों आपको डी वाई स्क्वायर, तो वाई एक्सिस पर तो कंप्लीटली अरेंज होगा कौन, चलो इसको मैं दोबारा फॉर्म करता हूं बच्चों, ये डी एक्स स्क्वायर और बच्चों ये टी वाई स्क्वायर, इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल के लिए। अब बच्चों यहां पर जो नोडल प्लेन होगा वो इस तरह से 45 डिग्री एंगल पर आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का एंगल होगा, यहां पर इस तरह का एंगल होगा, तो ये जो आपको नोडल प्लेन मिलेगा ये 45 डिग्री के एंगल पर आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वाई जेड और एक्स वाई यहां पर नोडल प्लेन नहीं हो सकते, ठीक है, ये पर्टिकुलरली 45 डिग्री ऑफ एक्स एक्सिस एंड 45 डिग्री ऑफ वाई एक्सिस पर ही नोडल प्लेन को एग्जिस्ट कर पाएगा, अदरवाइज इसमें वाई जेड और एक्स जेड कोई नोडल प्लेन पॉसिबल नहीं होंगे, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी बच्चों इनकरेक्ट हुआ। ठीक है डियर, नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन देखते हैं बेटा, थर्ड ऑप्शन अपन देख चुके हैं, फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, यानी कि फोटोन जब स्पीड में मूवमेंट नहीं कर रहा है, विराम अवस्था में जब तक उसका वेलोसिटी जीरो है तब तक उसका मास भी क्या होगा बच्चा, जीरो होगा, बिल्कुल सही बात है, रेस्टिंग कंडीशन में उसका मास जीरो होता है। फिर क्या कह रहा है, इंक्रीजेज विद इट्स वेलोसिटी, ये गलत बोल रहा है, इंक्रीजेज नहीं बेटा डिक्रीजेज, क्योंकि अगर आपको फोटोन के मास का फॉर्मूला लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे, देखें जनरली बच्चों लेमडा इक्वल टू दी एच अपॉन एम इन टू सी होता है, सी कौन है बेटा वेलोसिटी ऑफ फोटोन, तो सी को इधर शिफ्ट कर दो तो सी इक्वल टू दी एच अपॉन एम लेमडा, बेटा वेलोसिटी बढ़ेगी सी बढ़ेगा तो मास डिक्रीज करेगा, देख सकते हैं वेलोसिटी और मास में यहां पर जो रिलेशन मिल रहा है वो इनवर्सली है। ठीक है डियर, इट मींस वेलोसिटी इंक्रीजेज देन मास इंक्रीजेज, रॉन्ग, कैसा है, इनकरेक्ट है, तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, इसका मतलब ये हुआ बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर ओनली वन जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ओनली फर्स्ट आप दे सकते हैं बच्चों, बाकी सारे ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, इसलिए आंसर ओनली फर्स्ट दिया जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है बच्चों, क्वेश्चंस के स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं, पहला स्टेटमेंट देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, इधर हिंदी में लिखा हुआ है नोड्स, तो बेटा यहां पर आपसे नोड्स की बातें कर रहा है, तो बेटा अगर नोड्स आपको चेक करना है तो रेडियल नोड्स का जो फॉर्मूला है बच्चों, रेडियल नोड्स किसमें पूछ रहा है, 2s ऑर्बिटल में पूछ रहा है, तो रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है
एन माइनस एल माइनस वन। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है एन माइनस एल माइनस वन। बच्चों ऑर्बिटल कौन सा है? 2s, 2s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू जीरो होता है, s सबसेल के लिए l वैल्यू जीरो होगा, 2s है तो n वैल्यू बच्चों 2 होगा, 2s के लिए n वैल्यू 2 है और s सबसेल के लिए l वैल्यू जीरो है। यहां से वैल्यू पुट कर दो तो 2 माइनस जीरो माइनस वन, इट मीन्स 2 माइनस वन यानी कि 1 ऑप्टेन होगा। ठीक है डियर, इसका मतलब आपको 1 रेडियल नोड ऑप्टेन हुआ है, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स आर 1, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब बच्चों सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोड्स इज इक्वल टू एन माइनस एल माइनस वन। देखो अभी भी मैंने फॉर्मूला लिखा था, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स और स्फेरिकल नोड्स इक्वल टू द एन माइनस एल माइनस वन, वेयर स्मॉल एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड स्मॉल एल एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एस सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर तो जीरो है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2s है, इसलिए 2 हो जाएगा। ठीक है डियर, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है बच्चों, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर थर्ड देखते, द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स आर एल। बिल्कुल ठीक है, एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला बच्चों एल के इक्वल होता है, किसी भी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स वैल्यू ऑफ एल के इक्वल होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू के इक्वली मिलता है, इसलिए थर्ड भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, 3d z स्क्वायर है 3 एंगुलर नोड्स, 3 एंगुलर नोड्स, तो 3d z स्क्वायर है और एंगुलर नोड की बात कर रहा है, तो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है बेटा। यहां पर एंगुलर नोड्स का वैल्यू आपको ऑब्टेन नहीं होगा, बेसिकली 3d z स्क्वायर में बच्चों L वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। आपको d ऑर्बिटल के लिए L वैल्यू 2 मिलता है, ठीक है, और वैसे भी देखा जाए तो d z स्क्वायर ओनली z एक्सिस पर ही बेटा अरेंज होता है, इसलिए इसमें नोड्स की वैल्यू 0 देखने को मिलती है बेटा। अगर इसका वैल्यू, इसको देखो बेटा किस तरह अरेंज करेंगे, ये इस तरह से बनता है बेटा, ये होगा बेटा d z स्क्वायर ऑर्बिटल, ये बच्चों आपको d z स्क्वायर ऑर्बिटल का शेप देखने को मिलेगा। तो अगर d ऑर्बिटल की बात कर रहा है तो l वैल्यू 2 होना चाहिए था, 3 एंगुलर नोड तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है डियर, और वैसे भी d z स्क्वायर है तो सारा की सारा ऑर्बिटल कहां होता है? अलोंग द z एक्सिस होता है, इसलिए सभी जगह इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सिमिलर होती है, इसलिए यहां पर नोड्स के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 0 होती है। इसलिए बच्चों 1, 2 and 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट। इसका मतलब आपके आंसर्स क्या होंगे? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। इन हाइड्रोजन एटम, हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में, इन हाइड्रोजन एटम सैंपल इलेक्ट्रॉन्स आर डी एक्साइटेड फ्रॉम फोर्थ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट कह रहा है, एक्साइटेड स्टेट का मतलब एनर्जी लेवल 5th हो जाएगा बेटा। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? 5th एनर्जी लेवल। बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहता है तो सेकेंड एनर्जी लेवल होगा, अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहता है तो थर्ड एनर्जी लेवल होगा, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलता है तो फोर्थ एनर्जी लेवल होगा। यहां पर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है, इसका मतलब कौन सा होगा एनर्जी लेवल? 5th होगा, और 5th से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल में जा रहा है। तो N2 की वैल्यू तो 5 होगी और N1 की वैल्यू बच्चों 1 हो जाएगी। ठीक है, तो N2 5 और N1 1 होगा। फर्दर क्या कह रहा है? विच आर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है डियर, ऑप्शन नंबर 1, नो लाइन इज ऑब्जर्व इन पी फुंड, यानी कि फुंड सीरीज में कोई भी लाइन आपको नहीं मिलती है, ऐसा कह रहा है। तो बच्चों N2 की वैल्यू तो क्या है? 5, और N1 की वैल्यू क्या है? 1। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि बच्चों अगर आप सीरीजेस को देखेंगे तो सीरीजेस कैसे मिलेंगी? लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। ठीक है, तो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2,
n इक्वल टू 3 पास्टन के लिए, n इक्वल टू 4 ब्रैकेट के लिए और n इक्वल टू 5 पास्टन के लिए। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है वो कहां से जंप कर रहा है, फुंड सीरीज से। तो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है इसलिए उस फुंड सीरीज में आपको कोई भी लाइन ऑब्जर्व नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बेटा करेक्ट हुआ। पहला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ठीक है डियर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं बेटा। टोटल 10 लाइंस आर ऑब्जर्व इन स्पेक्ट्रम, तो कुल 10 रेखाएं प्राप्त होंगी ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो बच्चों टोटल लाइंस इन स्पेक्ट्रम के लिए मैंने थोड़ी देर पहले आपसे फॉर्मूला डिस्कस किया था, तो टोटल लाइंस इन द स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट कर लेंगे। देखते हैं बेटा कैसे। बच्चों ध्यान दें, टोटल लाइंस के लिए फॉर्मूला है टोटल लाइंस इक्वल टू दी n2 minus n1 plus 1 upon 2। देखते हैं बच्चों n2 कितना है 5, n1 कितना है 1, into n2 5 n1 1 plus 1 upon 2। देख सकते हैं यहां से 5 minus 1 4 मिलेगा, 5 minus 1 4 plus 1 5 हो जाएगा, तो 5 into 4 20 by 2। इसका मतलब टोटल कितनी लाइंस आ रही बेटा, 10 लाइंस आर ऑब्टेंड। यहां पर टोटल 10 लाइंस आर ऑब्टेंड इन द स्पेक्ट्रम, इसका मतलब ये भी बेटा करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। 4 लाइन इन अल्ट्रावायलेट रीजन एंड 3 लाइंस इन विजिबल रीजन ऑब्जर्व। बच्चों मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले कहा था बेटा, क्या कहा था मैंने आपसे, किसी भी पर्टिकुलर सीरीज में पर्टिकुलर रीजन में अगर आपको लाइंस ऑब्टेन करनी है तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा n2 minus n1। n2 हायर एनर्जी लेवल है, n1 लोअर एनर्जी लेवल है। बच्चों आपसे कह रहा है अल्ट्रावायलेट रीजन, इसका मतलब वो लाइमन सीरीज की बात कर रहा है। अल्ट्रावायलेट रीजन में बेटा लाइमन सीरीज ऑप्टेन होती है और विजिबल रीजन में बच्चों बामर सीरीज ऑप्टेन होती है। तो अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए लाइमन सीरीज होगा तो n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और विजिबल रीजन के लिए n1 जो होगा वो 2 होगा जो कि बामर सीरीज के लिए होगा। तो आप पर्टिकुलर रीजन के लिए n2 minus n1 लगा दो। n2 तो कांस्टेंट है, फिफ्थ एनर्जी लेवल से आ रहा है, तो फिफ्थ एनर्जी लेवल से अगर अल्ट्रावायलेट में जा रहा है तो 1 में जाएगा, तो 5 minus 1 4 लाइंस आ जाएंगे और विजिबल में जा रहा है तो 5 minus 2 3 लाइंस आ जाएंगे, ठीक है डियर। तो देख सकते हैं 4 लाइंस इन अल्ट्रावायलेट रीजन बिल्कुल करेक्ट है और 3 लाइंस इन विजिबल रीजन। तो पर्टिकुलर रीजन में अगर लाइंस निकालनी है तो फॉर्मूला लगा दो n2 minus n1। अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए लगाएंगे 5 minus 1, 4 लाइंस आर ऑब्टेंड इन अल्ट्रावायलेट रीजन एंड 3 लाइंस आर ऑब्टेंड इन विजिबल रीजन। इट मींस करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 देखें बेटा। 1 लाइन ऑब्जर्व इन ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज में 1 लाइन आपको ऑब्टेंड होती है, ब्रैकेट सीरीज में 1 लाइन ऑप्टेन हो रही है, तो ब्रैकेट सीरीज के लिए एन वैल्यू कितनी है देख सकते हैं। ये ब्रैकेट सीरीज के लिए एन वैल्यू 4 है बेटा, ब्रैकेट सीरीज के लिए एन वैल्यू 4 है। एन टू कितना है 5, एन वन कितना है बेटा 4। तो यहां से अगर नंबर ऑफ लाइंस ब्रैकेट में निकालना है तो एन टू माइनस एन वन लगा दो, यानी कि 5 माइनस 4 कर दो और 5 माइनस 4 करते बच्चों यहां पर 1 लाइन ऑप्टेन होगा ब्रैकेट सीरीज में, तो 1 लाइन इज ऑप्टेन फॉर ब्रैकेट सीरीज। ये भी करेक्ट है बेटा, इट मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इसका मतलब आंसर्स आर 1, 2, 3 and 4, ऑल दीज आर करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है डियर। आगे चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हां बच्चों नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द फॉलोइंग कंक्लूजन्स, और कंक्लूजन्स में ऑप्शन नंबर 1 क्या है, एटम हैज लार्जली एम्प्टी स्पेस, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त पाया जाता है। बिल्कुल सही बेटा, सबसे पहले रदरफोर्ड ने यही कहा था जब अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डेविएशन के बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे निकल गए थे,
तो बेटा रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो खोखला है, वैकेंट है, एम्प्टी है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है डियर, यहां पर फर्स्ट ऑप्शन कैसा है, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर टू देखते हैं बच्चों, द सेंटर ऑफ द एटम हैज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ये भी बिल्कुल सही बेटा, जब कुछ अल्फा कण, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर रिफ्लेक्टेड ऑन द सेम पाथ, कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो जिस पाथ पर गए थे उसी पाथ पर वापस लौट कर आ गए थे, तब रदरफोर्ड ने कंक्लूजन दिया था बेटा कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो सारा की सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस में कंसंट्रेट है, कलेक्ट हो रहा है, जिसे न्यूक्लियस नाम दिया गया, जिसे नाभिक कहा गया। ठीक है डियर, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आल्सो करेक्ट। थर्ड, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। ये भी बिल्कुल सही है, क्यों बच्चों, अगर न्यूक्लियस की साइज की बात करें तो बच्चों न्यूक्लियस के साइज का जो ऑर्डर है ये 10^-15 मीटर होता है, 1 फर्मी होता है, ये तो होता है न्यूक्लियस के लिए, न्यूक्लियस के लिए क्या होता है 10^-15। और एटम के साइज की अगर बात करें तो एटम के साइज के लिए बच्चों 10^-10 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम ये आपको ऑर्डर मिलेगा। तो देख सकते हैं ये 10^-15 है न्यूक्लियस तो, और एटम कितना है 10^-10 मीटर है, 1 एंगस्ट्रॉम है, इसलिए एटम लार्ज साइज वाला है और न्यूक्लियस बच्चों स्मॉल साइज वाला है। ठीक है डियर, इट मींस थर्ड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, इट मींस इसका तो कोई मतलब है नहीं। तो आंसर्स आर फॉर दिस क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। फर्दर आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं, क्वेश्चन क्या है देखें, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन से सही कथन है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए बेटा, ऑप्शन नंबर 1, नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन एम सेल, बच्चों एम सेल कह रहा है तो एम सेल कौन सा होगा बच्चों, सेल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, के एल एम एन ओ, ठीक है, तो ये n इक्वल टू 1 होगा फर्स्ट सेल होगा, ये n इक्वल टू 2 होगा, ये n इक्वल टू 3 होगा, ये n इक्वल टू 4 होगा, तो यहां से आप k l m n को कंपैरिजन कर सकते हैं और यहां से नंबर ऑफ सेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे ही बच्चों आपसे स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या कह रहा है, m सेल, m सेल का मतलब थर्ड सेल की बात कर रहा है, और थर्ड सेल में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन एम सेल इक्वल टू 3, सब सेल जो होगा वो ऑलवेज एन वैल्यू के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल बच्चों थर्ड सेल है तो एन वैल्यू 3 होगी, और थर्ड सेल में कौन कौन से सब सेल होंगे, 3s 3p एंड 3d, देयर आर 3 सब सेल्स 3s 3p एंड 3d, देन 3 सब सेल्स आर प्रेजेंट 1, 2 एंड 3, n वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ सब सेल्स, इट मीन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन देखते बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन n सेल, n बोल रहा है बेटा तो n मीन्स फोर्थ सेल होगा, n को किससे रिलेट करेंगे बेटा, फोर्थ सेल से, तो n वैल्यू 4 हो जाएगी, पूछ किसका रहा है, ऑर्बिटल्स, तो किसी भी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला एन स्क्वायर के इक्वल होता है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला होगा बच्चों एन स्क्वायर, और एन की वैल्यू कितनी है बेटा 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो, यहां से बच्चों आपको 16 टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर 16 इन फोर्थ सेल, इसलिए 16 ऑर्बिटल्स ऑब्टेन होंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट ये करेक्ट हो गया बेटा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं बच्चों, इन सीयू प्लस कॉपर प्लस 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, कॉपर प्लस 1 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ऐसा कह रहा है, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यहां से पता होना चाहिए बेटा, कॉपर एटॉमिक नंबर 29 है बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 3d10 4s1, ये बच्चों ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1।
अब बच्चों कॉपर पे कितना चार्ज है? प्लस वन। इसका मतलब बच्चों यहां पर प्लस वन चार्ज है तो वन इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज कर देगा, और वन इलेक्ट्रॉन जैसे रिलीज होगा तो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 3d10 4s 0। तो यहां तो कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, और यहां d10 है, और d10 डी सबसेल में बेटा फाइबर ऑर्बिटल होता है, और फाइबर ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। इसलिए कंप्लीटली फुलफिल होगा, और अगर कंप्लीटली फुलफिल होगा तो यहां पर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है डियर। इसलिए ये कैसा है, इनकरेक्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर एब्सेंट होना चाहिए था, प्रेजेंट नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट ऑप्शन देखते बेटा, जीमान इफेक्ट इज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये आपको याद रखना है बच्चों, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग होगी तो आप कहेंगे उसको जीमान इफेक्ट, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग होगी तो आप उसको स्टार्क इफेक्ट कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो स्टार्क इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड में है तो बच्चों जीमान इफेक्ट। इट मींस फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट होगा बेटा। इट मींस आंसर्स विल बी 1, 2 एंड 4। आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट आंसर्स। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 3 moles ऑफ द गैस, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते बेटा। 3 moles ऑफ द गैस इथेन C2H6 इज मिक्स्ड विद 60 ग्राम ऑफ दिस गैस एंड 2.4 × 10^24 मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखा है, यहां क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिससे अपन मोल्स बना सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। इनिशियली 3 moles था इथेन का, बाद में 60 ग्राम और एड कर दिया इसी गैस का, मतलब इथेन का ही, ठीक है। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे पहले वो चेक करना पड़ेगा, फिर 2.4 × 10^24 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस रिमूव कर दिया बेटा, ठीक है। फिर क्या करा है, द लेफ्ट ओवर गैस इज कंबस्टेड, मतलब कंबसन किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, देन आपको कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट देखने को मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन में पूछा हुआ है, देखते हैं बेटा। बेटा सबसे पहले बच्चों, इनिशियली आपके पास 3 moles है C2H6 का, ठीक है। अब बच्चों 60 ग्राम और इथेन ऐड कर रहा है, तो 60 ग्राम के पहले मोल बना लें, इथेन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, C2H6 का मॉलिक्यूलर वेट 30 होगा, तो 60 ग्राम के मोल्स कितने हो जाएंगे, जो कि ऐड किया है 60/30, यहां से 2 moles ऐड होंगे, ठीक है डियर। तो 3 moles पहले था, 2 moles और ऐड कर दिया, तो टोटल मोल्स ऑफ इथेन हो जाएगा 5 moles, टोटल मोल्स ऑफ इथेन कितना हो गया, 5 moles ऑफ इथेन। अब बच्चों 5 moles में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके लिए आप Na एवोगाड्रो नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर बच्चों ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखा है इसके मोल्स बना लो, रिमूव्ड नंबर ऑफ मोल्स, तो रिमूव्ड मोल्स इक्वल टू 2.4 × 10^24 अपॉन एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, तो 6 × 10^23 से डिवाइड करोगे तो बच्चों ये 10 इधर ले आओगे तो 24 हो जाएगा, ये पावर सारे कैंसिल हो जाएंगे, यहां से 4 moles आ जाएगा, यानी कि रिमूव मोल्स कितने हैं, 4 moles हैं। तो बच्चों इनिशियली आपके पास टोटल इथेन कितना है, 5 moles है, टोटल इथेन कितने हैं, 5 moles, जिसमें से 4 moles इथेन माइनस कर दिया, रिमूव कर दिया, तो आपको 1 mole ऑफ इथेन बचेगा बेटा। तो फाइनली मिक्सचर में जो इथेन बच रहा है वो ओनली 1 mole ऑफ इथेन बच पाएगा, ठीक है। 1 mole ऑफ इथेन के कंबस्टन की बैलेंस रिएक्शन अपन बना ले लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो C2H6 प्लस O2 गिव्स 2CO2 प्लस 3H2O लिक्विड, इस तरह की क्वेश्चन बनेगी। ऑक्सीजन देखते हैं, 2 × 2 = 4 and 3 = 7, तो यहां हो जाएगा 7/2 moles ऑफ ऑक्सीजन। अब बच्चों चेक करते हैं ऑप्शंस को, देखें क्या है। पहला ऑप्शन 2 moles ऑफ इथेन फॉर कंबस्टन, 2 moles ऑफ इथेन का कंबस्टन किया है या 1 mole ऑफ इथेन का कंबस्टन कर रहे हैं, केवल केवल और केवल 1 mole का कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया बेटा, ठीक है डियर। सेकेंड ऑप्शन देखें,
वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP प्रोड्यूस्ड आफ्टर कंबसन इज 45.4 लीटर। बिल्कुल सही है। देखो बेटा CO2 का कितना मोल बन रहा है, 2 मोल्स ऑफ CO2 आफ्टर कंबसन ऑब्टेन हुआ है, और STP पर 1 मोल CO2 का वॉल्यूम कितना होगा, 22.7 लीटर। 1 मोल ऑफ गैस का STP पर वॉल्यूम होगा बेटा 22.7 लीटर। तो 2 मोल्स ऑफ CO2, 2 मोल्स ऑफ CO2 के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 45.4 लीटर। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन देखें, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड 54 मिलीलीटर। देखो बेटा वाटर कितना बन रहा है, 3 मोल्स, और 3 मोल्स का मास कितना होगा, 3 × 18 यानी कि 54 ग्राम। वाटर का मास कितना बन रहा है, 54 ग्राम। बच्चों वाटर की डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। तो 1 ग्राम पर ml मतलब 1 ml वाटर का मास 1 ग्राम है, तो 54 ml वाटर का मास 54 ग्राम होगा, इसलिए 54 ग्राम वाटर 54 ml के इक्वल भी हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट है बेटा। थर्ड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। और लास्ट ऑप्शन देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रोड्यूस इज 36 ml। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि कितना बनना चाहिए था, 54 ml ना कि 36 ml। इट मींस आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सेकंड एंड थर्ड, टू एंड थर्ड आर करेक्ट आंसर, टू एंड थर्ड आर करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेंट्रेशन टर्म्स इज अफेक्टेड बाय ए चेंज इन टेम्परेचर। कौन सी ऐसी टर्म्स हैं बच्चों जो कि टेम्परेचर से अफेक्ट होंगी, जिन पर टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, या टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने से जिनके मैग्नीट्यूड वेरी करेंगे, चेंज हो सकते हैं, ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ध्यान रखें बेटा, टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करने से केवल वही टर्म वेरी करती हैं, वही टर्म चेंज होती हैं जिनमें वॉल्यूम इंक्लूड होता है। ऐसी टर्म जिनके फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है, उनमें टेम्परेचर चेंज करने से इफेक्ट होगा, और जिस फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं होगा उस टर्म पर टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज करने से कोई इफेक्ट नहीं होता है बेटा। ठीक है यार, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आपको दे रखे हैं, किस फॉर्मूले में वॉल्यूम है, किस फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं है, चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑप्शन है बेटा मोलरिटी, कैपिटल एम। मोलरिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू दी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर से अफेक्ट होगी, ये टेम्परेचर से अफेक्ट हो रही है। सेकंड बेटा मोलरिटी स्मॉल एम, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। देखो ये मोल्स है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये मास है, तो बेटा इस मोलरिटी के फॉर्मूले में कहीं भी वॉल्यूम नहीं है, और अगर वॉल्यूम नहीं है तो इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, मोलरिटी को टेम्परेचर इफेक्ट नहीं कर सकता बेटा। ठीक है, तो इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बच्चों थर्ड ऑप्शन देखें, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी कैपिटल एन फॉर्मूला होगा बच्चों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, मोल्स इंटू वैलेंस फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंस फैक्टर अपॉन वॉल्यूम। ठीक है डियर, या इसी को लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन ई इंटू वॉल्यूम। तो बच्चों देखो क्या नॉर्मलिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है, तो वॉल्यूम यहां पर भी इंक्लूड है, इसलिए टेम्परेचर से अफेक्ट होगा, तो नॉर्मलिटी भी टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। और लास्ट फोर्थ ऑप्शन है बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको डेंसिटी कहते हैं बच्चों, स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी यानी घनत्व कहा जाता है, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेंसिटी इक्वल टू द मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बच्चों क्या डेंसिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम है, और अगर वॉल्यूम है तो टेम्परेचर से अफेक्ट होगा, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी यहां पर टेम्परेचर अफेक्टेड टर्म होगी, इसलिए फोर्थ भी आंसर में इंक्लूड किया जाएगा, सेकेंड आंसर में इंक्लूड नहीं किया गया। देन आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन इज 1, 3 एंड 4, आंसर्स आर 1, 3 एंड 4 ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं।
इक्वलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस कैन बी, किसी भी पदार्थ का जो तुल्यांकी भार है क्या हो सकता है। तो बच्चों आपको इक्वलेंट मास का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इक्वलेंट मास का फॉर्मूला क्या होगा उसी के बेसिस पर आप इसको डिसाइड कर पाएंगे। देखिए बेटा, इक्वलेंट मास, इक्वलेंट मास बच्चों, इक्वलेंट मास इक्वल टू दी मॉलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो बच्चों हो सकता है वैलेंस फैक्टर वन हो सकता है वैलेंस फैक्टर टू हो सकता है वैलेंस फैक्टर थ्री हो। तो ऐसे केस में जब वैलेंस फैक्टर वन होगा तो बच्चों क्या होगा, वैलेंस फैक्टर वन हो गया तो इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो जाएगा। अगर वैलेंस फैक्टर वन है तो इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो जाएगा। अगर वैलेंस फैक्टर टू हो गया या वन से ज्यादा हुआ तो ऐसे केस में बच्चों इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर वेट के कंपेटिबली कम मिलेगा, अणु भार से कम मिल जाएगा। और बच्चों अगर वैलेंस फैक्टर वन से कम है, वन बाई टू है किसी मॉलिक्यूल के लिए, ओवरऑल अगर वैलेंस फैक्टर देखा जाए अगर वो वन से कम है तो ऐसे केस में आपको जो इक्विवेलेंट मास है वो मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा देखने को मिल सकता है बेटा। ठीक है डियर, तो इस केस में आप कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर वेट और वैलेंस फैक्टर दोनों पर डिपेंड करता है, जो कि मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा भी मिल सकता है और मॉलिक्यूलर वेट से कम भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है बच्चों उस मॉलिक्यूल के वैलेंसी फैक्टर पर। ठीक है डियर, देन ऑप्शंस देख लें। इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, बिल्कुल सही बात है। ग्रेटर देन मॉलिक्यूलर वेट, बिल्कुल सही बात है जब वैलेंस फैक्टर कम होगा, जैसे एसोसिएशन हो जाए, एसिटिक एसिड का डाइमराइजेशन होता है, वैलेंस फैक्टर कम होता है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा मिलता है। तो इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास मतलब फॉर्मूला मास की बात कर रहा है, जनरली अपन फॉर्मूला मास देखते हैं परंतु यहां पर वैलेंस फैक्टर पर बेस्ड है इसलिए मॉलिक्यूलर वेट से अधिक मान सकते हैं। फिर कह रहा है लेस देन मॉलिक्यूलर वेट, बिल्कुल सही बात है। अणु भार पर डिपेंड ही नहीं करता, बिल्कुल गलत बात है, मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करता है। इसलिए आंसर्स आर वन टू एंड थर्ड, करेक्ट आंसर्स विल बी वन टू एंड थर्ड, दीज आर करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है डियर, तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों ये हम लास्ट जो सेक्शन डी है इंटीजर वाली प्रॉब्लम्स पर आ चुके हैं बच्चों। हमने सबसे पहले सेक्शन ए सिंगल चॉइस क्वेश्चन देखे, पैराग्राफ देख लिए, इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है और लास्ट बच्चों सेक्शन डी जिसमें इंटीजर्स वाले क्वेश्चंस को अपन यहां पर सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं बच्चों इंटीजर का क्वेश्चन नंबर वन, देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर वन पढ़ते हैं बेटा। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वाटर मिक्सचर, कौन सा मिक्सचर है, इथेनॉल की मोल फ्रैक्शन, इथेनॉल एंड वाटर का मिक्सचर है, उसमें इथेनॉल की मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं 0.125 मोल फ्रैक्शन है किसके लिए, इथेनॉल के लिए। आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ध्यान रखें क्या कह रहा है, पर मोल, मतलब वन मोल के लिए बात कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में है पर मोल का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको इथेनॉल की मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं तो एक्स ए प्लस एक्स बी का मैग्नीट्यूड वन के इक्वल होता है, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो ऑलवेज वन के इक्वल होता है। यहां से आप इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन की हेल्प से पहले वाटर के मोल फ्रैक्शन काउंट कर लोगे और जैसे ही वाटर के मोल फ्रैक्शन मिलेंगे आप पर मोल ऑफ वाटर के लिए मोल फ्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मोल्स का भी रेशियो होगा बेटा। ठीक है, देखते हैं। हाँ तो बेटा इनिशियली इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.125 है और आपसे किसका पूछ रहा है, जल के मोलों की संख्या प्रति मोल, तो आप कहेंगे एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन। तो इथेनॉल के जो मोल फ्रैक्शन है वो एक्स ए है जिसका मैग्नीट्यूड 0.125 है, एक्स बी वाटर के मोल फ्रैक्शन है कैलकुलेट करने हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मिल जाएगा 1-0.125 यानी कि 0.875, ये मिल जाएगा आपको 0.875। ठीक है, इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, मोल्स ऑफ वाटर पर मोल ऑफ इथेनॉल, तो जो इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन हैं उनसे वाटर के मोल फ्रैक्शन को डिवाइड कर दो,
आपको वाटर के मोल्स मिल जाएंगे बेटा, ठीक है, पर मोल के लिए बात कर रहा है, इसलिए पर मोल यानी वन मोल के लिए। तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 0.875 अपॉन 0.125, यहां से डिवाइड करो बेटा इसको और आपको फाइनल आंसर ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है डियर। इस तरह से बच्चों अपन इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के लिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और आप देख पा रहे हैं आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 25 से कैंसिल कर लो बेटा, देखें पॉइंट से पॉइंट तो कट ही गया, ये हो जाएगा 3 times, और कितना बच रहा है 35, और इसको 5 times, और ये 7 times, इसका मतलब आपका आंसर बेटा 07 जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर जाएगा 07, ठीक है डियर। तो 07 मीन 7 मोल्स ऑफ वाटर आर फॉर पर मोल ऑफ इथेनॉल, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन इन इंटीजर। आगे चलते हैं बच्चों इंटीजर का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पढ़ते हैं। इफ ए प्रोटीन हैज 0.07% ऑफ आयरन, एटॉमिक मास गिवन है बच्चों 56, बाय वेट एज ओनली मेटल इट्स मॉलिकुलर मास वुड बी एट लीस्ट, यानी कि लीस्ट मॉलिकुलर मास की बात कर रहा है, न्यूनतम अणुभार की बात कर रहा है, और जब भी किसी मॉलिक्यूल के लीस्ट मास की बात करेगा, न्यूनतम अणुभार की बात करेगा, तो नंबर ऑफ एटम्स को 1 लिया जाता है। किसी भी मॉलिक्यूल के लीस्ट मास के लिए उस एटम में, यानी कि उस मॉलिक्यूल के लिए एटम की नंबर ऑलवेज एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी जाती है बेटा। देखिए किस तरह सोल्व करेंगे, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला यहां आप अप्लाई करेंगे, ठीक है डियर। देखो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कितना दे रखा है 0.07, 0.07 इक्वल टू दी मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ आयरन 56 होगा अपॉन मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, और परसेंटेज के लिए बच्चों 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू दी 56 इंटू 100 अपॉन 0.07, बच्चों पॉइंट हटा दो, 20 इंक्रीज कर दो, 7 से 8 times कैंसिल होगा, इट मींस आप देख पा रहे 1, 2, 3, 4, 4 0 है, तो 8 × 10⁴ ग्राम ये आपके पास मास आ जाएगा, 8 × 10⁴ ग्राम, और आपको रिप्रेजेंटेशन दे रखा है m × 10⁴, तो m क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका मतलब आपका इंटीजर का आंसर जाएगा बेटा 08, आपको इंटीजर का आंसर मिलेगा 08। इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है डियर। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंटीजर का, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 1.9 ग्राम ऑफ CHXBRY है सेम नंबर ऑफ एटम्स, परमाणु की संख्या समान है, एज इन 0.6 ग्राम ऑफ वाटर, 0.6 ग्राम वाटर के द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज ब्रोमीन का एटम मास दे रखा है 80, ठीक है डियर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको पहले दोनों तरफ मोल्स बनाने पड़ेंगे, मोल्स बनाकर आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स को बच्चों इक्वल लिख देंगे, जहां से आप इक्वेशन बनाएंगे और एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखते हैं बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो बेटा तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस कंपाउंड का मास गिवन है 1.9 ग्राम अपॉन इस कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर वेट कैसे लिखेंगे, देखो कार्बन का एटम मास होगा 12 प्लस हाइड्रोजन के लिए बेटा 1 × x यानी कि x हो जाएगा, प्लस ब्रोमीन के लिए बच्चों एटम मास 80 है तो 80 × y, ठीक है ये तो मोल्स आ गए, इंटू एटम्स कितने इसमें 1 कार्बन है, x हाइड्रोजन है और y ब्रोमीन है, तो एटम्स की नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे 1 प्लस एक्स इंटू वाई, और 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है एवोगाड्रो नंबर n के इक्वल होता है। इधर बच्चों वाटर की बात करें, वाटर का मास दे रखा है 0.6 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वाटर का होगा 18 इंटू वाटर में एटम्स कितने हैं 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन 3 एटम्स, और 1 मोल के लिए n से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ मैंने नंबर ऑफ एटम्स को सेम कर दिया है। अब इसे कैलकुलेट करें आप बच्चों, n से n कैंसिल होगा, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, ये 6 से 30 और 3 से 10 यानी कि इधर 1/10 रह गया है, ठीक है डियर। अब 10 को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो
ये 19 हो जाएगा, तो 19 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, और ये वाली टर्म उधर भेज दो, ये हो जाएगी 12 प्लस एक्स प्लस 80y, ये क्वेश्चन मिलेगा। यहां से इस कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 19 को अंदर मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा बेटा 18x प्लस 61y प्लस 7 इक्वल टू 0। इस तरह का इक्वेशन आपको यहां से ऑप्टेन होगा बेटा, ठीक है डियर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब बच्चों आपको देखना यह है कि जो कंपाउंड दिया है उसमें कार्बन की वैलेंसी तो कितनी रहेगी 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी रहेगी 1, और ब्रोमीन हेलोजन है तो उसकी वैलेंसी भी कितनी रहेगी 1, यानी कि जितने एटम्स होंगे उनसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस कार्बन की वैलेंसी 4, हाइड्रोजन x है तो 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगी, इधर ब्रोमीन के लिए -1 चार्ज होता है इसमें तो मैग्नीट्यूड लेना है केवल, तो 1 इंटू वाई वाई हो जाएगा, यानी कि वैलेंसी से रिलेशन बनेगा x प्लस वाई कार्बन की वैलेंसी 4 के इक्वल होंगे। x प्लस वाई की जो वैलेंसी है वही नंबर ऑफ एटम्स डिसाइड करती है बेटा, वैलेंसी से ही नंबर ऑफ एटम्स का डिटरमिनेशन होगा। तो x तो हो गई हाइड्रोजन की वैलेंसी, y हो गई ब्रोमीन की वैलेंसी, और ये कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी। यहां से आप बच्चों x की वैल्यू पता लगा लो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस y, x इक्वल टू 4 माइनस y, ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे आप, और जैसे आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू बच्चों 1 आ जाएगा, और x का वैल्यू 1 आ गया तो अब आप इस सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4 माइनस 1 करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहां से y की वैल्यू 3 ऑप्टेन हो जाएगी। तो x इक्वल टू 1 आ रहा है और y इक्वल टू 3 आ रहा है, तो ऐसे केस में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, x प्लस y का मान, तो x 1 है y 3 है, तो x प्लस y यानी कि 1 प्लस 3 आपको आंसर मिलेगा बच्चों 4। इसका मतलब आपके इस इंटीजर का जो आंसर होगा वो 0-4 जाएगा, आपके इस इंटीजर का आंसर 4 दिया जाएगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0-4, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है डियर। आगे चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बेटा नेक्स्ट इंटीजर के लिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, देखते हैं बेटा। फाइंड आउट द डिफरेंस इन नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन द ऑर्बिटल टू विच लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम प्रेजेंट। सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों क्या है, आपसे क्वेश्चन में कहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम, तो क्रोमियम का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 24 बच्चों कॉन्फिगरेशन होगा आर्गन 18 3d5 4s1, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 4s1 में जा रहा है। इसका मतलब n वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और l वैल्यू बच्चों s सब सेल के लिए 0 हो जाएगी। यहां से बच्चों आप स्फेरिकल नोड यानी कि रेडियल नोड और एंगुलर नोड फाइंड कर सकते हैं, देखते कैसे। तो बच्चों रेडियल नोड्स का फॉर्मूला अपन डिस्कस करके आ रहे हैं थोड़ी देर पहले, रेडियल नोड्स आर n माइनस एल माइनस 1, एन कितना है बच्चों 4, एल कितना है 0 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो यहां से 3 आ जाएगा बेटा, यहां से रेडियल नोड्स तो आ रहा है 3, और बच्चों एंगुलर नोड्स किसके इक्वल होते हैं, स्मॉल एल के इक्वल, और स्मॉल एल कितना है बेटो एस सब सेल के लिए 0, तो रेडियल नोड 3 और एंगुलर नोड 0, इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, इसका मतलब आंसर जाएगा 3 माइनस 0 इट मीन 3, इसलिए इस इंटीजर का आंसर आपको देना पड़ेगा बच्चों 0-3, इस इंटीजर के लिए आप आंसर देंगे बच्चों 0-3। इस तरह से बच्चों अपन इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीजर का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन को। ए ट्रांजिशन फॉर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट ऑर्बिट हैज सेम वेवलेंथ, सिमिलर वेवलेंथ है एज फ्रॉम nth ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट फॉर हीलियम आयन, तो nth ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम में ट्रांसफर हो रहा है तो सिमिलर वेवलेंथ मिलता है जैसा हाइड्रोजन में है, ठीक है डियर, देखते हैं इसे। तो
वैल्यू ऑफ एन पूछा है, सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए वेवलेंथ निकालेंगे, वन अपॉन लैम्डा हाइड्रोजन इक्वल टू दी आर इंटू एटमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन वन होगा तो वन का स्क्वायर इंटू वन अपॉन वन स्क्वायर माइनस सेकेंड से आ रहा है तो वन अपॉन टू स्क्वायर, यहां से वन अपॉन लैम्डा हाइड्रोजन हो गया है आर इंटू थ्री बाई फोर, और लैम्डा हाइड्रोजन यहां से ऑब्टेन होगा बच्चों फोर अपॉन थ्री आर, ये लैम्डा हाइड्रोजन आ गया। अब बच्चों यही फॉर्मूला हीलियम आयन के लिए यूज करें तो हो जाएगा वन अपॉन लैम्डा हीलियम इक्वल टू दी आर इंटू जेड का वैल्यू हीलियम में टू लेंगे तो टू का स्क्वायर इंटू वन अपॉन टू का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन का स्क्वायर, एन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है सेकेंड ऑर्बिटल में। बच्चों लैम्डा हीलियम लैम्डा हाइड्रोजन के इक्वल है तो वैल्यू पुट कर दें वन अपॉन फोर और ऊपर चला जाएगा थ्री आर इक्वल टू दी ये टू स्क्वायर फोर हो जाएगा तो फोर आर इंटू वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। अब बच्चों आर से आर कैंसिल होगा फोर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइनली इसको लिख सकते हैं देखें ये हो जाएगा बेटा थ्री अपॉन सिक्सटीन इक्वल टू दी वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर, एन ऑब्टेन करना है बेटा तो ये पॉजिटिव टर्म इधर ले जाओ माइनस की टर्म को इधर ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगी तो वन अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू दी वन बाई फोर माइनस थ्री बाई सिक्सटीन, यहां से वन अपॉन एन स्क्वायर ये बच्चों एलसीएम हो जाएगा 16 तो फोर टाइम्स होगा तो यहां फोर होगा ठीक है और यहां वन होगा तो कितना बचेगा थ्री अपॉन 16 फिर से देखें फोर 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 टाइम्स फोर आ जाएगा और यहां पर वन तो ये फोर थ्री होगा, फोर माइनस थ्री कितना आ रहा है वन अपॉन सिक्सटीन आ रहा है, अब वन अपॉन सिक्सटीन ही आ गया वन अपॉन एन स्क्वायर तो अपोजिट कर दो एन स्क्वायर के लिए तो एन स्क्वायर बेटा सिक्सटीन है तो एन वैल्यू बच्चों अंडर रूट ऑफ सिक्सटीन आ जाएगी यानी कि एन का वैल्यू बच्चों यहां से फोर आएगा एन इक्वल टू फोर, इट मीन्स आपका आंसर जाएगा बच्चों इंटीजर के लिए जीरो फोर जीरो फोर यानी कि एंथ जो ऑर्बिटल है वो फोर्थ ऑर्बिटल होगा बच्चों ठीक है डियर। इस तरह से बच्चों अपन इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, आपका आंसर देंगे 04 ठीक है डियर। आगे चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के वेवलेंथ यानी कि रिडबर्ग फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते बेटा पहले क्वेश्चन क्या है देखें, ए लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हैज ए वेवलेंथ ऑफ 95 नैनोमीटर। सबसे पहले बच्चों लाइमन सीरीज बोल रहा है और लाइमन सीरीज बोलते ही आपको पता लग गया है कि N1 की वैल्यू 1 होगी, लाइमन सीरीज कहते ही N1 की वैल्यू 1 होगी ठीक है डियर। देन व्हाट वाज द अपर क्वांटम स्टेट इन्वॉल्व इन द एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, रिडबर्ग फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर लाना है कैसे। हाँ बेटा तो वन अपॉन लैम्डा जिसका वैल्यू 95 नैनोमीटर है जिसको एंगस्ट्रॉम में ले लेना, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा 950 इक्वल टू दी आर इंटू जेड हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के लिए जेड वैल्यू वन लेंगे इंटू लाइमन सीरीज के लिए एन वैल्यू एन वन वैल्यू वन लेंगे माइनस एन स्क्वायर, यहां से एन वैल्यू फाइंड करनी बच्चों तो बच्चों ये 1/950 इक्वल टू दी आर इंटू 1/1 माइनस 1/n स्क्वायर, इस तरह से यहां से सॉल्व करेंगे और यहां से इसको कैलकुलेट करें बच्चों तो n का वैल्यू 0.5 आएगा यानी कि आपका इंटीजर का आंसर क्या चला जाएगा 5 चला जाएगा। इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं ठीक है डियर। आगे चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंटीजर का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर्स एन इक्वल टू फोर, क्वांटम नंबर्स में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना दे रखा है बेटा एन इक्वल टू फोर एंड एल आपको एल इक्वल टू वन दे रखा है और एस स्पिन क्वांटम नंबर कितना दे रखा है माइनस वन बाई टू दे रखा है ठीक है डियर। अब बच्चों एल इक्वल टू वन है इसका मतलब पी सबसेल होगा ठीक है डियर, तो एन वैल्यू तो फोर है एल वैल्यू वन है और एस का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो माइनस हाफ है यानी कि ओनली माइनस हाफ स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स को ही कंसीडर करना है ठीक है डियर।
तो देखें बेटा किस तरह से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल एन वैल्यू इज 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, एल वैल्यू इज 1 एंड एस वैल्यू इज -1/2। अब सबसेल कौन सा होगा बच्चों? ये जो सबसेल है बच्चों ये 4p सबसेल है और p सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको 3 ऑब्टेन होगा बेटा, ठीक है डियर, बिकॉज l इक्वल टू वन है तो p सबसेल है और p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स है। ओनली इलेक्ट्रॉन्स कौन सा कंसिडर करना चाह रहा है? -1/2, इट मीन्स इस तरह का स्पिन, तीनों इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनके लिए स्पिन -1/2 होगा और 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनके लिए बच्चों स्पिन +1/2 होगा। तो +1/2 वाले 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और -1/2 वाले भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इट मीन्स अगर आपसे -1/2 वाला इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 ऑब्टेन होगा, ठीक है डियर। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आप 3 देंगे, इट मीन्स इस इंटीजर का आंसर बेटा 0 3 होगा, ठीक है डियर। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकम्स 0 3, ठीक है डियर। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखें, हाउ मेनी लाइंस इन द स्पेक्ट्रम विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम 7th cell टू 3rd cell। इलेक्ट्रॉन कहां से मूव कर रहा है देख सकते हैं, 7th cell से 3rd cell में मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए n2 हायर एनर्जी लेवल तो 7th है और लोअर एनर्जी लेवल की वैल्यू कितनी बेटा 3 है। तो ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपको पूछा हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला आप यहां पर अप्लाई कर दें। देखिए बेटा किस तरह से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर पाते हैं। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ लाइंस होगा, टोटल लाइंस इक्वल टू दी n2 minus n1 plus 1 अपॉन 2, ठीक है डियर। n2 का वैल्यू कितना है बेटा क्वेश्चन में देख सकते हैं, 7 है तो 7 माइनस n1 कितना है बेटा 3 है, इंटू 7 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2। यहां से अगर सोल्व करेंगे बेटा तो 7 माइनस 3 कितना है 4, यहां से देख सकते हैं 4 plus 1 5 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 यानी कि 20/2 आ रहा है और 20/2 मीन्स 10, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस विच आर ऑब्टेन्ड इन स्पेक्ट्रम विल बी 10। इट मीन्स आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर 10 दिया जाएगा बेटा। तो इस इंटीजर का आंसर क्या दे रहे हैं अपन, 10। तो आंसर इज 10 फॉर दिस इंटीजर, ठीक है डियर। आगे चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है डियर ये है क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है देखें। इफ 3 वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, 3 वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर विल बी पॉसिबल देन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल विल बी, ठीक है डियर। जनरली बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर के 2 वैल्यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू पाउली, अगर पाउली के अकॉर्डिंग बात करें तो एन ऑर्बिटल कैन एग्जिस्ट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट डायरेक्शन स्पिन। सिंगल ऑर्बिटल यानी कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटा, वो भी विपरीत चक्रण के साथ। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि आप अगर एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम नंबर को प्लस हाफ एज्यूम कर रहे हो तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर बच्चों आपको -1/2 लेना पड़ेगा। इसलिए यहां पर ये कह रहा है आपसे 2 क्वांटम नंबर्स नहीं 3 स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं और ऐसे केस में बच्चों 1 ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर पाएगा। पहले जब स्पिन क्वांटम नंबर के 2 वैल्यूज थे +1/2 एंड -1/2 तब तो 1 ऑर्बिटल में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर कर रहे थे, बट अब स्पिन क्वांटम नंबर के 3 वैल्यूज हैं तो ऐसे केस में आप 1 ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करेंगे। इट मींस आपको 1 ऑर्बिटल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा। बात क्लियर है, देखिए किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। तो बच्चों ध्यान दें बेटा, पी कक्षक कह रहा है, ऑर्बिटल कह रहा है, तो ये सपोज करो एक ऑर्बिटल है, पहले जब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज 2 थे तो +1/2 एंड -1/2,
इस तरह से वन ऑर्बिटल में टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर रहा था, बट अब क्या कह रहा है, स्पिन क्वांटम नंबर के थ्री वैल्यूज हो जाए तो प्लस हाफ माइनस हाफ के अलावा एक और इलेक्ट्रॉन कंसिडर करना पड़ेगा। इट मीन्स अब जो पी ऑर्बिटल होगा, जो सिंगल ऑर्बिटल होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो आपको लोकेशन मिलेगी वो इस तरह से दिखाई देगी। इसका मतलब सिंगल ऑर्बिटल है, थ्री इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ थ्री वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। इट मीन्स आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर जाएगा बच्चों 03। आपको इस इंटीजर का आंसर देना पड़ेगा 03। ठीक है डियर, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9th फॉर इंटीजर। लास्ट 10th क्वेश्चन देखते हैं बेटा इंटीजर के लिए। देखिए किस तरह क्या क्वेश्चन है, किस तरह अपन क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं, सारी बात आप नोटिस करते चले। बहुत ही ईजी है बच्चों, बहुत ही ईजिली आप सारे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, बशर्ते क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन में क्या कह रहा है उस कॉन्सेप्ट पर आप अच्छे से ध्यान रखें बेटा, उसी के बाद आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाओगे। देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ एन आयन ऑफ 25 मैग्नीज, यानी कि जो मैग्नीज है उसका एटॉमिक नंबर आपको गिवन है बेटा, कितना दे रखा है 25। एटॉमिक नंबर मैग्नीज 25 हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.873 बोर मैग्नेटॉन BM। देन मैग्नीज इज इन विच स्टेट। आपसे बच्चों इस क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज पूछा गया है, तो अगर आपको इस क्वेश्चन के लिए मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर्ड है तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बेटा। यहां पर आपको क्वेश्चन में मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है 3.8, ठीक है, तो इस मैग्नेटिक मोमेंट की हेल्प से आप नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने पहले एन वैल्यू निकाल लें, और जैसे ही एन वैल्यू पता लगेगा आप मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर पता लगा सकते हैं बेटा। देखिए किस तरह से अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, इसके बाद अपन यहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे चेक करेंगे, चेक करते हैं बेटा। तो बच्चों मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है बेटा 18 आर्गन 3d5 4s2। ये मैग्नीज का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा हुआ है। अब बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू इक्वल टू दी अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है। और बच्चों देख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी है 3.87, तो म्यू का वैल्यू पुट कर देंगे आप 3.873 इक्वल टू दी अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू। यहां से बच्चों एन की वैल्यू निकाल देंगे आप, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है डियर, तो इक्वेशन बन जाएगा, और इक्वेशन बनकर यहां से एन वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेंगे। जनरली अगर वैसे देखें तो आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू आ रही है 3.9, ये बच्चों रूट 15 के लिए आती है। बेसिकली रूट 16 का वैल्यू क्या होता है 4 होता है, तो 4 से थोड़ा कम है, तो ये जो वैल्यू मिलेगी ये अंडर रूट की वैल्यू बच्चों रूट 15 की है। रूट 15 कब आ सकता है, यहां से रूट 15 तब आएगा बेटा जब एन वैल्यू 3 होगा, क्योंकि 3 × 3 + 2 यानी कि 5 × 3 अंडर रूट 15 हो जाएगा। तो एन वैल्यू अगर 3 रखते हैं, एन वैल्यू 3 अगर रखें तो यहां से 3 × 3 + 2 मिलेगा जो कि अंडर रूट ऑफ 15 होगा, और अंडर रूट ऑफ 15 की वैल्यू क्या होगी 3.87 बोर मैग्नेटॉन, ये वैल्यू होता है बेटा। तो आप देख सकते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 मिल रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 कब ऑब्टेन होगा, आप ग्राउंड स्टेट के कॉन्फिगरेशन से चेक करें। देखो बेटा यहां पर अगर T3 आपको ये जो कॉन्फिगरेशन है, ये आपको ये कॉन्फिगरेशन जो 3d5 दे रखा है इसको 3d3 में कन्वर्ट कर लिया जाए तो n वैल्यू 3 मिल सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो जाए और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो जाए, तो जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो मैग्नीज पर चार्ज बच्चों प्लस 4 आ जाएगा, यानी कि मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको 4 दिखाई देनी चाहिए। जैसे ही प्लस 4 में जाएगा तो मैग्नीज का कॉन्फिगरेशन बच्चों 3d3 4s0 हो जाएगा, और d3 अगर दिखाई दे रहा है, अगर कॉन्फिगरेशन d3 है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की नंबर बच्चों 3 ऑब्टेन होगी, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट रूट 15 मिलेगा जिसका वैल्यू कितना है 3.873 बोर मैग्नेटॉन है। इसलिए बच्चों मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आनी चाहिए 4 आनी चाहिए। आपसे पूछा हुआ है मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, विच स्टेट, तो आप कहेंगे मैग्नीज प्लस 4 में है, यानी कि आपका आंसर 04 चला जाएगा। क्लियर है, तो आंसर देंगे अपन 04। ये है बच्चों इंटीजर के लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बच्चों देखा आपने, ये था DCM JEE
केमिस्ट्री का थर्ड पेपर, ठीक है डियर, जिसका सॉल्यूशन अपन ने अच्छे से कर लिया है, सारे क्वेश्चंस को अपन ने अच्छे से चेक कर लिया है और सबके आंसर्स को अपन ने देखा, यहां कोई भी करेक्शन अपन ने नहीं देखा है, ठीक है डियर। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बच्चों एग्जाम में मिलेंगे, तो एग्जाम ओरिएंटेड एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए आपके सामने ये पेपर बनाया गया है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है डियर।